अनेक अनेक महापुरुषों का प्रागट्य हो। इसी खाटू श्याम की नगरी में, भक्ति सीमा प्रांगण में, खंडुआ प्रदेश में एक एक बड़ी भक्त हुई भगवान कृष्ण की, जिसका नाम था करमेती बाई। क्या नाम था? करमेती। मीरा के समकालीन थी। अरे भाई, अन्न पूछो तो शरीर है ना, वही टाइम मिल गया कहीं। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ
धर्मेति भाई, जो भगवान की कृष्ण की बड़ी अनन्य भक्त हो। और ये बात है, जब मीराबाई का प्रागत्य हो उसकी समकालीन करमेति बाई का भी प्रागत्य है। और करमेति बाई का चरित्र कैसी भक्त है, देखिए सत्संग हमको क्या सिखाती है। बाल्य अवस्था में ही करमेति बाई ने सत्संग प्रारंभ कर दी, और वही करमेति बाई जब 12 वर्ष की हो गई, पारिक समाज में प्रागट्य हुआ था इसका। सीताराम जी पारिक, पुरोहित पारिक, ब्राह्मण के घर पर इसका जन्म हुआ करमेति का। जब पिताजी ने ब्याह की बात कही, बचपन से सत्संग लगी और मीरा के जैसे मानो गिरधर को ही अपना वर मान लिया हो, ऐसी करमेति बाई की जब ब्याह की बात चली तो महापुरुष कहते हैं कि गृह त्याग करके निकल गए। और ये बड़ी बात नहीं है कि करमेति घर छोड़कर चली गई, सुनिएगा, इस करमेति के बारे में कहा जाता है कि जब ये घर छोड़कर चली तो स्वाभाविक है कि बेटी जब घर छोड़ के चली गई तो माता पिता ने खूब खोज की होगी, खूब ढूंढा होगा। जब माता पिता सब ढूंढने लगे, अब करमेति ने सोचा कि जाऊं कहां, तो एक मरा हुआ ऊंट जिसका कंकाल पड़ा है, सूखा हुआ कंकाल, चमड़ी ऊपर मड़ी हुई और वो कंकाल पड़ा। अब करमेति ने देखा कि कहीं भी छुपूंगी तो सब ढूंढेंगे, पर यहां पर कोई नहीं ढूंढेगा, कोई पास भी नहीं आए। और मरे हुए ऊंट के उस कंकाल में 3 दिनों तक करमेति बाई छुपके रहे, 3 दिनों तक। अगर हम 1 सेकंड के लिए भी पास से गुजरेंगे ना भाई, तो नाक बंद करना पड़ेगा, इतनी दुर्गंध आती है मरे हुए ऊंट के कंकाल से। और करमेति बाई 3 दिनों तक उसमें छुप के रही, 3 दिनों तक, कल्पना करो कैसे रही है। और 3 दिनों के बाद में पद यात्रा करके राजस्थान से वृंदावन पहुंची, पैदल यात्रा करके वहां पर जाकर श्याम कुंड मीरा कुंड में स्नान किया। और उस समय के परमहंस संत स्वामी हरिदास, जिन्होंने मीरा को गिरधर गोपाल दिए थे, मीरा जी को जो सर्वप्रथम गिरधर गोपाल की जो पूजा दी वो स्वामी हरिदास ही थी। उसके बाद में तो मीरा के जीवन में गुरु रहदास भी आए, जिन्होंने मीरा को गुरु मंत्र दान किया। वो स्वामी हरिदास के पास में जब करमेति बाई पहुंची तो स्वामी जी तो त्रिकालदर्शी थे, सब जानते थे। मीरा को करमेति जब पहुंची तो स्वामी जी ने कहा, देवी हमने भक्त तो खूब देखे हैं और तुम्हारी भक्ति में भी बड़ी निष्ठा है, ये हमें मालूम है, पर हमें एक बात बताओ भाई। बोले क्या? बोले देवी हमने सुना कि तुम 3 दिनों तक मरे हुए ऊंट के कंकाल में छुपकर रही, ये तुमने कैसे किया? ये तो बड़ी विचित्र बात है, असंभव सी जान पड़ती है। इतनी दुर्गंध में 3 दिनों तक कोई आदमी दम घुट के मर जावे, और तू 3 दिनों तक रही कैसे? अब जो करमेति ने जो हरिदास जी को जो जवाब दिया, स्वामी जी की आंखों में टप 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 अश्रु धारा बरस गई। करमेति बाई कहने लगी, स्वामी जी इस संसार की जो विषय वासनाओं की जो दुर्गंध है, इस संसार की काम वासनाओं की जो दुर्गंध है, जो विषय वासनाओं की दुर्गंध है, उन विषय वासनाओं की दुर्गंध के आगे उस मरे हुए ऊंट के कंकाल की दुर्गंध कम है। इस विषय वासनाओं की दुर्गंध के आगे मुझे वो दुर्गंध कुछ भी नहीं लगी, पर ये जो दुर्गंध है ना, लोभ की, काम की, ये दुर्गंध बड़ी बड़ी खतरनाक है, इससे मुझे भय लगता है। सत्संग हमें यही सिखाती है, जो चीज हमारे लिए नहीं बनी है वो सत्संग हमें बताती है। सत्संग विषय वासनाओं से मन को हटाती है, सत्संग की बड़ी महिमा है।
आज जो श्याम का चरित्र हम सुनने के लिए बैठे हैं, जो सत्संग हम सुनने के लिए बैठे हैं, श्याम बाबा के बारे में इतनी सारी बातें आप लोग जानते हो, पर उनमें से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो तथा कथित है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो तथा कथित है, जो शास्त्रों अनुवृत्त नहीं है, जो शास्त्रों में वर्णित ही नहीं है, तथा कथित है। किन्हीं महापुरुषों ने अपनी समझ से कह दिया हो, पर हमारा विचार यह है कि हमको शास्त्र दर्शन से ही किसी बात को मान्य करना चाहिए, शास्त्र दर्शन से ही किसी बात को स्वीकार करना चाहिए। आज हम बाबा श्याम की कथा गाने के लिए इसीलिए बैठे हैं क्योंकि ये शास्त्रों में वर्णित है, ये पुराणों में वर्णित है। अगर शास्त्रों में पुराणों में वर्णित नहीं होता तो हम नहीं गाते। ये पुराणों वर्णित कथा है। तो अब जिस कथा को हम और आप सुनने जा रहे हैं, जो लीला हम श्याम बाबा की गाएंगे, वैसे तो अनेक भक्तों के द्वारा अनेक प्रकार की बाबा की महिमा गाई गई है, पर हम जो ये 3 दिनों तक जो सत्संग श्रवण करेंगे, ये सत्संग वेद व्यास जी के द्वारा जो 18 पुराण रचित हैं, 18 पुराणों में भागवत की कथा भी हमने आपको सुनाई है और अभी शिव पुराण की कथा सुनाई, और आज हम जिस पुराण की कथा सुन रहे हैं वो है स्कंद पुराण। अब इस स्कंद पुराण का ही एक खंड है। वेद व्यास जी के 18 पुराणों में सबसे बड़ा ग्रंथ है स्कंद पुराण। शिव महापुराण में 24,000 श्लोक है जिनकी कथा हमने आपको अभी सुनाई। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक है और सबसे बड़ा ग्रंथ स्कंद पुराण है, इसमें 81,000 श्लोक है। कितने हैं? 81,000। भागवत से तो 5 गुना बड़ा है स्कंद पुराण। और इस स्कंद पुराण में बाबा श्याम की कथा वर्णित है। हम बाबा श्याम ही कहेंगे क्योंकि इस नाम से आप सब लोग ज्यादा प्रचलित हो, बाकी स्कंद पुराण में जो नाम आया है वो महाराज बरबरीक नाम बाबा का है। बोले बरबरीक भगवान की। स्कंद पुराण में तो कई नाम आए हैं बाबा के। बरबरीक नाम आया, सुदेह नाम आया, सुहृदय नाम आया, चंडिल नाम आया, और उसके बाद में बाबा श्याम नाम पड़ा। तो स्कंद पुराण के अनुसार जो व्यास जी ने जो महिमा गाई है उस महिमा का हम गान करेंगे, वो बाबा श्याम की कथा को और बाबा श्याम को जानने की समझने की हम कोशिश करें। 81,000 श्लोकों का ये ग्रंथ है और इसमें एक कौमारी खंड है। उस कौमारी खंड में 5वें स्कंद में बरबरीक का चरित्र वर्णित है। कथा तो बहुत छोटी है पर उसको अगर समझा जाए तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत, उनकी एक एक लीला का अगर गान किया जाए, उन्होंने वो लीलाएं क्यों की, उनको अगर वर्णन किया जाए तो महाराज 3 दिन भी कम पड़ेंगे। स्कंद पुराण के अनुसार देखो ना, हम लोग कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, कहते हो कि नहीं कहते हो? पर कई जगह पर यह कहावत सटीक नहीं होती है। कई बार प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती भी है और कई बार नहीं भी होती। कैसे? हर जगह पर प्रत्यक्ष में प्रमाण हो, आंखों से देखा वही सही हो, ये सही नहीं हो। किसी आदमी को मोतियाबिंद हो गया हो, अब लट्टू के सामने दिखें तो लट्टू तो 2 दिखेंगे है? अब वो कहेगा कि 2 लट्टू है, मैंने आंखों से देखा है, तो क्या वो सही है? वो कहेगा मैंने प्रत्यक्ष देखा है। अरे भैया लट्टू तो एक ही है, तेरे को मोतियाबिंद है, तेरे को 2 दिखाई दे रहे। प्रत्यक्ष को
प्रमाण की आवश्यकता होती है। आज बाबा श्याम की कृपा, बाबा श्याम की महिमा सब हमारे सामने प्रत्यक्ष है। ऐसे लाखों भक्त आपको मिल जाएंगे जो बाबा की महिमा का गान करते, जिनको प्रत्यक्ष में बाबा की महिमा का अनुसरण हुआ है, जिन्होंने महसूस किया है। ऐसे कई भक्त हमें भी मिले हैं, बोले महाराज कुछ भी नहीं थे, दो टाइम खाने का भोजन घर में नहीं था, पर जिस दिन से श्याम का दरबार पकड़ा है उस दिन से निहाल हो। ऐसे कई भक्तों से हमने सुना है, तो वो प्रत्यक्ष है, उन्होंने महसूस किया है, पर हर व्यक्ति बाबा की महिमा समझे कैसे, बोले उनके लिए प्रमाण चाहिए। और वो प्रमाण स्कंद पुराण देती है, हर आदमी समझे, हर आदमी आंख से नहीं देखता है, हर चीज आंख से नहीं देखी जाती। आप कहोगे महाराज आंख से नहीं देखा जाता तो फिर कैसे देखा जाता है, फिर कैसे देखा जाता है? हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से। एक एक सुंदर श्लोक इस पर, एक सुंदर श्लोक कि गावो पश्यन्ति ग्राणेन वेद पश्यन्ति पंडिता चारेण पश्यन्ति राजान चक्षुर्भ्याम तरे जना। समझना, गाय वेद कहते हैं, गाय कैसे देखती है पता है? बोले गाय पश्यन्ति ग्राणेन, गाय देखती है नासिका से। आपने उसके आगे रोटी रख दी, अब वो रोटी गेहूं की है कि बाजरे की, गाय को ये पहचान नहीं। वो रात की बनी है कि सुबह की बनी है वो आंखों से देखकर नहीं बता सकती। हम तो आंख से भी देख के बता सकते हैं कि ये फलका अभी अभी उतरा है तोड़े से, और इस रोटी को बने हुए 4 घंटे हो गए, ये हम लोग आंख से देखकर भी बता सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, पर गाय ऐसा नहीं कर सकती, पशु ऐसा नहीं कर सकता। तो वो कैसे महसूस करता, वो कैसे देखता है? बोले गावो पश्यन्ति ग्राणेन, पशु देखती है, गाय देखती है नासिका से, वो सुगंध लेकर, फिर उसको ज्ञान प्राप्त होता है कि हाँ ये चीज अभी की नहीं पहले की है, बासी है कि ताजा है। गायो पश्यन्ति ग्राणेन, जो विद्वान लोग, जो पंडित लोग होते हैं, जो महापुरुष लोग होते हैं ना, वो किसी भी दंत कथा के ऊपर विश्वास नहीं करते। वो कैसे देखेंगे? कोई भी वार्तालाप उनके सामने होगा, किसी विद्वान के सामने तुम जाकर कोई निर्णय रखोगे कि महाराज ये कर रहे हैं, ये करना उचित है कि नहीं है, अब देखिए, कहते हो कि नहीं कहते? हम ऐसा ही तो कहते हैं कि ये कार्य हम कर रहे हैं, पंडित जी आप देखिए सही है कि नहीं है, कैसे करें, कैसे करना चाहिए, आप देखिए। तो वो कैसे देखेगा? आंख से थोड़ी देखेगा, कैसे वो अपना निर्णय कहेगा? तो शास्त्रों में बताया वेदा पश्यन्ति पंडिता, विद्वानों का, पंडितों का, महापुरुषों का कोई भी निर्णय होता है वो कैसे देखते हैं? बोले वो शास्त्रों में देखते हैं, वो पुराणों में देखते हैं। अगर शास्त्रों ने उस बात को सही कहा है तभी वो यस कहेंगे, वो हाँ कहेंगे, वरना वो ना कह देंगे कि भैया शास्त्रों के अनुसार ये सही नहीं है, ये गलत है। तो पंडितों की, महापुरुषों की दृष्टि क्या है? वेद है। वो वेद से देख, वेद पश्यन्ति पंडितः। राजा कैसे देखता है? राजा के पास में भी तो निर्णय आते होंगे कि राजा जी ये घटना हो गई है, बताइए आप क्या करें। तो राजा कैसे देखेगा? दो आदमी आ गए निर्णय लेने के लिए, अब उनको निर्णय सुनाना है तो राजा कैसे डिसाइड करे, कैसे उनको निर्णय सुनाए? बोले महाराज राजा की दृष्टि कौन है? बोले चारेण पश्यन्ति राजा, राजा के जो चाकर होते हैं ना, सेवक जिनको बोलते हैं गुप्तचर, वो राजा की आंख होती है, गाय की आंख उसकी नाक है, विद्वानों की, पंडितों की आंख शास्त्र है, वेद है, और राजा की आंख कौन है? बोले राजा की आंख है गुप्तचर, सेवक। चक्षुर भ्याम इतरे जना, गाय नाक से देखे, ब्राह्मण वेद से देखे, पंडित वेद से देखे, और राजा
गुप्तचरों से देखे और चक्षुर्भ्याम इतने जना बोले बाकी सब जो लोग हैं वो आंख से देखते हैं। उन्होंने जो आंख से देखा वो मान लिया, जो आंख से देखा उसको स्वीकार कर लिया। पर कई बार आंख से देखी हुई बात भी झूठी हो जाती है। कई बार ऐसे भ्रम हमको हो जाता है, हमने अपनी आंखों से देखा, बात मन में उतरी, बात कुछ थी और हमने समझ कुछ और लिया। कई बार ऐसा होता है, कई एक आदमी किसी दूसरे आदमी के हाथ में रुपए दे रहा है, उसने भी हाथ में पैसे पकड़ रखे हैं, उसने भी हाथ में पैसे पकड़ रखे हैं। अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन दे रहा है और कौन ले रहा है? दोनों नहीं पकड़ रखे हैं। अगर केवल आंख से देखकर निकल गए तो आपको नहीं पता पड़ेगा कि किसने दिया और किसने लिया। इसलिए वहां पर विचार करने की आवश्यकता होती है। प्रत्यक्ष देखा हुआ हमेशा प्रमाण हो ये बिल्कुल सत्य नहीं है। सबकी अपनी अपनी दृष्टि होती है। तो आज जो हम श्याम कथा श्रवण करने जा रहे हैं, वेद के अनुसार, पुराणों के अनुसार जो कथा प्रचलित है, जो सही मायने में ही सही है, वही सही है, उसी कथा का हम श्रवण करें। बाबा श्याम की बड़ी दिव्य महिमा सत्संग के रूप में हम और आप श्रवण करें। कि सर्वम खलविदं ब्रह्मा, सच्ची नेत्र अगर कोई है तो वो हमारे शास्त्र है। माताओं बहनों, विशेष में आप लोगों से कहूं, माताओं बहनों में एक विडंबना होती है। एक स्त्री किसी धर्म का पालन कर रही है और दूसरी माता ने सुन लिया या उसको देख लिया तो उसके देखा देख वो भी लग जाती है, नहीं ये सही नहीं है। पुराणों में, वेदों में महापुरुषों से जाकर पूछो कि ये जो हो रहा है क्या ये सही है, क्या ये कहीं पुराणों में वर्णित है? देखा देखी में धर्म नहीं होता है, धर्म कोई खिलौना नहीं है। जो मन जैसा चाहा, हमारे मन को जैसा आनंद मिला, हमारे मन ने जैसा चाहा वैसे हम खेल लिए, ये धर्म नहीं है। अगर आप अपने मन माने तरीके से धर्म करोगे, कई बार लोग उठपटांग हरकतें करते हैं धर्म के नाम पर, और जब हम उनसे कहें कि अरे ये ठीक नहीं है, बोले महाराज भगवान तो भावरो भूखू है। अरे भैया, भाव का भूखा है तो तुम यूं पाखंड कर करके नाचोगे, तुम धर्म को बिगाड़ दोगे। अच्छा, इसको भाव किसने कहा? भाव क्या होता है वो भी तो हमको समझना है ना। तो ध्यान देना, कभी भी तुम कोई धर्म का कार्य करो तो पहले उसको जानो कि जो हम कर रहे हैं क्या वो सत्य है, जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं क्या वो मार्ग सही है, आज हमारे धर्म की दशा क्या हो गई। अलग अलग पंथ, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग जाति के अलग अलग देवता और अलग अलग उनकी पूजा। जाट समुदाय के लोग कहेंगे कि भैया हम तो तेजो जी के भगत हैं, हम कहेंगे हम बाबा श्याम के भगत हैं, कोई कहेगा कि मैं रामदेव जी का भगत हूं, कोई कहेगा मैं पाबू पंथी हूं, मैं कोई कहेगा मैं कबीर पंथी हूं। अलग अलग धर्म, अलग अलग मार्ग, पर यह सही नहीं है। इनकी आराधना करना, इनका नाम स्मरण करना तो ठीक है, पर इनको ही भगवान मान लेना ये कदाचित ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। ये वो महापुरुष हैं जिन्होंने धरती पर आए, अद्भुत कार्य किए, पर इनको ही सर्वस्व परमात्मा मान लेना ये ठीक नहीं। थोड़ा धीरे करो, इसलिए हमको जरूरत है सर्व जगत खलविदं ब्रह्म, पूरा जगत ब्रह्म स्वरूप है,
तुलसीदास जी ने भी रामायण में लिखा, सिया राम में सब जगह जाने करूं प्रणाम जोर जुग पाती। भगवान के लिए संशय नहीं करना चाहिए। तुलसी ने कहा कि धरती पर ऐसा कोई जीव नहीं जिसके अंदर परमात्मा नहीं है, और जो ये महापुरुषों की पूजा करते निश्चित वो परमात्मा के अंश अवतार होंगे, उनके अंश होंगे, सबके अंदर परमात्मा है, इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। पर धर्म को जानना चाहिए, और धर्म को जानने का केवल और केवल एक ही मार्ग है, और वो मार्ग है सत्संग। बार बार महुर महुर सत्संग करते रहो। सत्संग की महिमा बड़ी गजब है। सत्संग जीवन को दिशा दे देती है साहब। और मैं अक्सर कहता हूं, पिछली बार भी आपने सुना होगा, सत्संग में विशेष आवश्यकता होती है युवाओं की, जवानों की, क्योंकि सत्संग तो जीवन सिखाती है कि जीना कैसे है। सत्संग तो कर्तव्य सिखाती है कि हमें क्या करना है और कैसे जीना और क्या करना है। ये किसको जानने की आवश्यकता है? बोले जिन्होंने अभी अभी जीवन पथ पर चलना प्रारंभ किया, जिन लोगों की उम्र 80 साल की 90 साल की हो गई, वो कथा में आए, सत्संग में बैठे, नाम संकीर्तन करे, पुण्य की प्राप्ति करे। पर जीना कैसे और क्या करना है? अब जो 90 साल का हो गया वो क्या तो साहब अब जिएगा और क्या वो करेगा है? क्या करेगा 90 साल का आदमी? नहीं। युवान अगर सत्संग में आकर बैठे तो वो अपने जीवन को बड़ा सुंदर बना सकते हैं, वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। संत महात्मा गाते हैं सत्संग की महिमा, बड़ा प्यारा सा भजन है। देखी अजब निराली महिमा सत्संग की, देखी अजब निराली महिमा सत्संग की, देखी अजब निराली महिमा सत्संग की, महिमा सत्संग की। ओ सत्संगत सब संकट तारे, उगत को सत्संग उबारे। सत्संगत सब संकट तारे, उगत को सत्संग उबारे। कुमकुम के नाथाले महिमा सत्संग की, अंतम ते नाथाले महिमा सत्संग की, देखी अजब निराली महिमा सत्संग की, देखी अजब निराली महिमा सत्संग की, देखी अजब निराली महिमा सत्संग की, देखी निराली महिमा सत्संग की, देखी अजब निराली महिमा सत्संग की, देखी अजब निराली महिमा सत्संग की। जीवन का कुछ लाभ उठाओ, सत्संग में सब मिल कर आओ, जीवन का ये लाभ उठाओ, सत्संग में सब मिल कर आओ, जीवन का कुछ लाभ उठाओ, सत्संग में सब मिल कर आओ, जीवन में कुछ लाभ उठाओ। अरे कोई रहे ना खाली महिमा सत्संग की, कोई रहे ना खाली महिमा सत्संग की, देखी अजब निराली महिमा सत्संग की, देखी अजब निराली महिमा सत्संग की, देखी अजब निराली सत्संग की, देखी अजब निराली महिमा सत्संग की।
सत्संग में जिसने खोज निकाली महिमा सत्संग की, जिसने खोज निकाली महिमा सत्संग की, देखी अजब निराली महिमा सत्संग की, देखी अजब निराली महिमा सत्संग की, अरे देखी अजब निराली महिमा सत्संग की, 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 देखी अजब निराली महिमा सत्संग की। बोले श्याम प्यारे की जय। सत्संग की बड़ी भारी महिमा सा, और आज जो सत्संग हम गाने के लिए बैठे, ये साधारण सत्संग नहीं है। भगवान कृष्ण का ही स्वरूप बाबा श्याम की सुंदर महिमा है, सुंदर चरित्र है। जिस दिन हम पहली बार खाटू गए थे, दो चार पांच लोग हमारे साथ थे, जब पहली बार हम खाटू गए उसी दिन से हमने ये विचार किया था कि हम बाबा श्याम की कथा जरूर गाएं। उसी दिन से हमको इतना लगाव, इतना प्रेम हो गया, उसी दिन से हमारा यह विचार था कि हम बाबा की इस महिमा का गान जरूर करेंगे। और आज बाबा ने कृपा भी कर दी, जो भी हम बाबा श्याम की महिमा गाएं, हमारा तो सामर्थ्य नहीं है कि हम उनके नाम का भी गुणगान कर सकें। वही कृपा करें, वही बाबा श्याम कृपा करें और अपनी कीर्ति का बखान माध्यम हमको बनाया है जीवन में, वाणी के सद्भाव से कृपा करके वही हमारे मुखारविंद से अपना चरित्र प्रमाणित करें। मेरा सामर्थ्य ही नहीं कि मैं उनकी महिमा का गुणगान कर सकूं। हम और आप सब जो आज बैठे हैं, बाबा की कृपा है, श्याम बाबा की कृपा है, इसलिए आज उनकी सत्संग सुनने का अवसर हमको मिला। बड़ी कृपा है, पुराण के आधार पर हम उनकी महिमा का ज्ञान करने की कोशिश करेंगे। मैं तो बाबा से एक ही प्रार्थना करूं, बाबा जितने श्रोता यहाँ पर विराजमान हैं, हम कथा गाने के लिए आपकी कृपा से बैठे हैं। और तुलसीदास जी ने जो रामायण में लिखा ना, बड़ी सुंदर चौपाई लिखी। जब तुलसीदास जी रामायण लिखते हैं तो पहले भगवान राम से कहते हैं, प्रभु निज बल बुद्धि भरोस मोहि नाहीं। मुझे अपने निज बल पर, निज बुद्धि पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, और जो भी मैं आज कर रहा हूं ताते विनय करूं ताही पाही। जो मैं ये कीर्ति गा रहा हूं, तेरा भजन कर रहा हूं, तेरी जो भी मैं आराधना सेवा करूं, तेरे भरोसे ही, तेरी कृपा से ही गा रहा हूं। और हमेशा ध्यान देना सजनों, केवल श्याम की बात नहीं है, तुम्हारा जो भी आराध्य है, इष्ट है, कभी तुम परमात्मा के सामने जाओ तो ये प्रार्थना सबसे पहले कर देना, ये बात सबसे पहले रख देना। मंत्रम न जानामि न जानामि तवार्चनम, पूजा चेव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। हे प्रभु, न तो मैं तुम्हारी पूजा जानता, न मैं तुम्हारी आराधना, न मंत्र, न उपासना, मैं जो कुछ कर रहा हूँ हे प्रभु तेरी कृपा से ही कर रहा हूँ। तुलसी ने भी पहले लिखा, अब इतने विद्वान, इतने ज्ञानी, इतने प्रकांड विद्वान तुलसी लिख रहे हैं, निज बुद्धि बल भरोसो मोहि नाही, ताते विनय करहूं ते ही पाई। प्रभु, मैं तो मुझे अपने बल पर विश्वास है, मैं मुझे अपनी बुद्धि के ऊपर विश्वास है, विश्वास है तो केवल तुझ पर, इतना भरोसा है। और मैं इस चरित्र का गान कर रहा हूं, तू ही कृपा करना। और तुलसी ने जो रामायण की रचना की, आज वो संसार में अमर हो गए, अमर हो गए। आज घर घर में आशायत वाल्मीकि कृत रामायण को लोग नहीं जानते होंगे,
कई लोग होंगे जो नहीं पढ़े होंगे, घर में नहीं होंगे, पर मेरे हिसाब से ऐसा कोई घर नहीं होगा जिस घर में तुलसीकृत रामायण में ध्यान देना ऐसी महिमा तुलसी की। क्यों? क्योंकि उन्होंने सर्वस्व अर्पण करके फिर कुछ किया। हम ये सोचे कि हम ये कर देंगे, हमने ये किया है, हम कर रहे हैं, हमने बाबा का श्रृंगार किया, हम बाजार से हार लेकर आए, हमने ये कथा करवाई है, तो भैया मामला गड़बड़ हो जाएगा, नहीं या डूब जाएगा। तुलसी की तरह मोहे बल भरोसो नाही, नहीं तो बुद्धि का भरोसा है, क्या पता ये भौतिक बुद्धि है, अभी तो सत्संग में लगी है, थोड़ी देर बाद में पता नहीं कहां जाके लगेगी। नहीं तो बल का विश्वास है, न बुद्धि का विश्वास है, एक नाम एक आस एक ही विश्वास, नरसिंह मेहता। भरोसा है तो केवल आपके ऊपर है प्रभु। अब जब श्याम कथा सुनने के लिए हम बैठे, प्रथम तो भगवान की कथा में संशय रखना ही नहीं चाहिए। कोई भी सत्संग में, कोई भी धर्म के कार्य में अगर तुम्हारे मन में संशय है तो वो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। लोग सत्संग में तो बैठते हैं पर संशय भी होता है, क्या ये सत्य है, क्या ऐसे होता है, क्या ऐसा हुआ होगा। अरे भाई अगर संशय लेकर तुम सत्संग में बैठोगे जो तुम्हें प्राप्त करना है वो प्राप्त नहीं कर पाओगे, धर्म के कार्य में, भगवत में, अपने आराध्य देव में कभी संशय मत करो। क्यों? क्योंकि वसुदेव कुटुंबकम, हर एक जीव ईश्वर का अंश है। तो बाबा श्याम स्वयं कृष्ण अवतार है, प्रथम तो इनमें संशय करना ही मत, और इस संशय को दूर करने के लिए ही हम यहां पर आकर बैठे हैं। क्योंकि भैया जहां पर श्रद्धा प्रकट होती है ना, वहीं पर भगवान का प्रागट्य होगा। जहां पर तुम्हारी श्रद्धा प्रकट हो गई वहां पर ईश्वर का प्रागट्य हो गया। अरे आपने कथा सुनी होगी, हमारे संत एकनाथ जी महाराज ने तो गधे के अंदर भगवान को देख लिया, पहाड़ों में जल लेकर गए गंगोत्री से नीलकंठ के लिए, और गधा प्यासा मिला और उस गधे के अंदर शिव का दर्शन किया। और आप सच मानिएगा, गधे के अंदर शिव को देखा, एकनाथ की ऐसी निष्ठा, ऐसा भाव, गधे के अंदर से महादेव जी प्रकट हो। ये निष्ठा होती है। नामदेव भूत के अंदर भगवान को देख लिया, कुत्ते के अंदर भगवान को देख लिया, ऐसी उनकी श्रद्धा। हमारे साउथ के एक संत हुए उड़िया बाबा महाराज, उनके शिष्य थे पंडित जी महाराज, वो अपने गुरु के अंदर ही परमात्मा को देखते, गुरु को ही भगवान मानकर उनकी सेवा करते। ये बड़ी प्रचलित कथा है। गुरु विठल नाथ जी के भगत थे, जैसे हम ठाकुर जी के भगत है वैसे ही उधर साउथ में भगवान को विठल नाम से जाना जाता है। वो विठल नाथ के भक्त थे, अपने गुरु को ही भगवान मानकर ऐसे गुरु के प्रति यथार्थ श्रद्धा, ऐसा विश्वास कि उनको ही भगवान मानकर सेवा करते। और एक बार ऐसी घटना हो गई, पंडित जी महाराज बैठे थे, गुरुदेव स्नान कर रहे थे, तो गुरु जी ने कह दिया पंडित जी आपने तो स्नान किया हुआ है, ये हमारी लोटी लंगोटी पकड़ो और हम स्नान करके आते हैं। गुरुदेव स्नान कर रहे थे, चार पांच शिष्य उनको नहला रहे थे, नदी में जब हम स्नान करते हैं तो खुद भी नहाते हैं, आसपास जो खड़ा रहता है उसको भी नहलाते हैं। तो शिष्य गुरु को नहला रहे थे, गुरु शिष्य को नहला रहे थे, पंडित जी घाट पर बैठे बैठे दृश्य देख रहे थे, गुरु के प्रति निष्ठा कैसी, बोले गुरु को ही भगवान मानकर सेवा। बात यहां पर श्रद्धा की और निष्ठा की, पत्थर से प्रकट हो ही में जाना। भक्त धन्ना जाट पत्थर में से प्रकट कर दिया साहब, प्रकट कैसे होता है, बोले निष्ठा से, तुम्हारी श्रद्धा से, श्रद्धा और निष्ठा से भगवान प्रकट हो। आज पंडित जी बैठे बैठे देख रहे हैं उड़िया बाबा, वो बाबा जी स्नान कर रहे हैं, अन्य चेले पास में बैठे हैं, और क्या देखा पता है महाराज, उनकी दृष्टि गुरु जी के ऊपर पड़ी, अब उनको क्या दिख रहा है, मानो स्वयं विठल नाथ, स्वयं कृष्ण मोर मुकुट लगाए हुए, और महाराज केवल पीतांबर कटिबंध में बंधा है, जैसे गुरु जी ने बांध रखा था,
वैसे ही कटिबंध में पीताम्बर बंधा हुआ है। और महाराज श्री ठाकुर जी अब गुरु जी नहीं दिख रहे हैं, अब पंडित जी को क्या दिख रहा है, मानो उस सरोवर के अंदर उस नदी के अंदर ठाकुर जी ही स्नान कर रहे हैं और बाहर से बाल बाल खड़े खड़े उनको स्नान करवा रहे हैं। इस अदृश्य प्रतीत होने लगा, आंखों से जर 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 अश्रु धारा बह पड़ी, एक टकटकी लगाकर देख रहे हैं। गुरु जी स्नान करके बाहर निकले, अरे पंडित जी महाराज क्या हुआ, बड़े गौर से देख रहे हो। तब समाधि टूटी, अरे मैं क्या देख रहा, गुरु के अंदर भगवान का रूप दिखाई पड़ा। ये होती है निष्ठा, ये होती है श्रद्धा। भगवान की अगर मूर्ति मानकर ही सेवा करोगे तो मूर्ति के जितना ही फल मिले। और हम लोगों का ये अज्ञान मानिए, ये दुर्भाग्य मानिए कि हम धर्म के मार्ग पर तो हैं, हम भक्त तो हैं, पर अभी तक भक्ति के मायने हमने नहीं समझे। घर में ठाकुर जी को लाकर बिठा दिया, बाबा श्याम के मंदिर में गए, सुंदर प्रतिमा लगी हुई देखी, पर उसके साथ में जो हमारा व्यवहार है वो व्यवहार केवल मूर्ति के जैसा ही है, हमारी सद्भावना में वो नहीं जुड़े हैं। आज सुबह की एक ऐसी घटना, वो भाई साहब कौन थे मैं नहीं जानता, क्या नाम था मैं लेना भी नहीं चाहता, पर हम ऐसे यूं ही खड़े थे बाबा की प्रतिमा के आगे खड़े, और ऐसे वो उच्च शब्दों का वाचन कर रहे थे और उनकी वाणी में भी जो शब्दावली जो थी उनकी वो सही नहीं थी, भाषा उनकी सही नहीं थी। मैंने उनसे हाथ जोड़कर कहा, भैया यहां पर तो शर्म कर लो, कहना पड़ा। अरे तुम्हारा व्यवहार कैसा है, तुम कहने को तो श्याम भक्त हो, और अरे कोई हमारे हमारे घर का कोई वरिष्ठ आदमी, कोई बड़ा आदमी हमारे पास आकर बैठ जावे या हम उसके पास बैठे रहे तो हमारा व्यवहार कैसा होता है भाई? सच बताना, तुम अपने बाप के सामने बैठे रहते हो तो तुम्हारा व्यवहार कैसा होता है? सभ्यता से बैठते हो, सभ्यता से बोलते हो, ऊंचे नहीं बोलते, धीरे बोलते हो, इतनी उनके गरिमा का ध्यान रखते हो। अब जब तुम भगवान के आगे बैठे हो, तुम मंदिर में बैठे हो, तो तुम अपनी गरिमा क्यों भूल जाते हो? तुम्हारा व्यवहार क्यों बदलता नहीं है? क्यों? क्योंकि तुमने केवल उसको मूर्ति ही मान रखा है। अगर तुम उसको ये मान लेते, कभी एक बार भी तुम ये मान लेते कि नहीं बाबा श्याम बैठे हैं और हम उनके सामने बैठे हैं, तो तुम्हारा व्यवहार बड़ा अद्भुत होता, इतना रोमांच होता, इतनी गरिमा होती, इतनी करुणा तुम्हारी आंखों में होती, अगर तुम उसको वास्तविकता में मान लेते। पर नहीं, बाबा का शीश लगाया है कि स्टेचू बनाया है, यही हमारी धारणा है। और ये धारणा जब तक तुम्हारी नहीं बदलेगी तब तक तुम भक्ति के मार्ग पर ठीक नहीं हो, सफल नहीं हो। ये तो निष्ठा का है, ये तो श्रद्धा का भाव है। गुरु के अंदर परमात्मा को देखा, अरे भैया श्रवण कुमार ने तो अपने मां बाप के अंदर भगवान को देखा, तुम माता पिता के अंदर भी परमात्मा को देख सकते हो, क्योंकि वो तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी सबके अंदर समाहित है। कोई मातृभक्त है, कोई पितृभक्त है, कोई गुरु भक्त है, अब तुम्हारी श्रद्धा कहां जुड़ती है? पर मूर्ति को मूर्ति मानकर सेवा करो, ये बात तो ठीक नहीं है साहब। कई कई लोग ऐसे होंगे जो अपने घर में बाबा श्याम की आराधना पूजा करते हुए है? कौन कौन है जो श्याम बाबा के घर में रोज पूजा करते हैं, बोलो ना। सब करते हैं। अब हमारी पूजा की प्रक्रिया कैसी है? दो दाने मिश्री के सुबह और दो दाने मिश्री के शाम को, सुबह दिया घुमाया और शाम को दिया घुमाया, और उस दियाबत्ती में भी इतनी जल्दी हमारे होती है, इतनी जल्दी होती है कि पूछो मत है? इतनी जल्दी में हम दीपक घुमाते हैं, ध्यान देना माता। कहने को तो हम भक्त हैं, पर कहने को ही है। वास्तविकता में जब तुम भक्त बनोगे तो तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी भाषा, तुम्हारी वाणी सब अलौकिक होंगे, सबको आकर्षित करने वाले होंगे। भक्तों की वाणी तोड़ने वाली नहीं होती, जोड़ने वाली होती है। भक्तों की दृष्टि में करुणा होती है। और भक्त कैसे बनोगे जब इसको तुम केवल एक मूर्ति नहीं मानोगे? अगर तुम वास्तविकता में श्याम की कृपा प्राप्त करना चाहते हो, श्याम बाबा के भक्त हो, तो केवल उसको मूर्ति मत मानो।
अपने जीवन का अंतरंग सखामा है, कोई संबंध जैसे मीरा ने जोड़ा, नरसी ने जोड़ा, तुकाराम ने, नानी बाई ने जोड़ा, हम गाते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ये स्तुति आप सबको याद है, पर केवल याद है, केवल इसको याद किया, रटा पर कभी उतारा नहीं, समझा नहीं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। एक भक्त ठाकुर श्याम बाबा के मंदिर में गया, मंदिर में जाकर जूते बाहर खोल दिए। अब जूते महंगे थे, 2,500-2,500 रुपए के थे, तो कोई ले न जावे, तो मंदिर में खड़ा है, बोल रहा है, दृष्टि बाबा की तरफ है, त्वमेव माता है, फिर जूतों की तरफ ध्यान गया, पिता त्वमेव त्वमेव बंधु, जूता कोई ले न जावे, फिर जूतों की तरफ देखा, सखा त्वमेव है, माता तो श्याम है और बाप कौन है, जूता। तुम्हें वे माता पिता तुम्हें, ये हम लोगों की दशा है। मंदिर में तो खड़े हैं, मंदिर में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, पर ध्यान कहीं और है। ये ठीक नहीं है। कोई ना कोई संबंध भगवान के, दो दाने मिश्री के सुबह चढ़ाए, दो दाने मिश्री को शाम को चढ़ाए और महाराज को दीपक कर दिया, अब पूरे दिन को संभाले ही नहीं कि बाबा जी ठीक है कि नहीं है। अरे भैया, दिन में माँ के पास आधे घंटे एक घंटे बैठते हो, पिता के पास बैठते हो, मित्रों के पास बैठते हो, घंटे दो घंटे टेलीविजन के पास भी बैठते हो, घंटे दो घंटे चुगली करने के लिए भी समय निकल जाता है, 2-4 घंटे दिन में, रात को तो सोते ही सोते, दिन में भी कई लोग रोटी खा के 2 घंटे आराम कर ले, 12 घंटे रात में आराम किया, 2 घंटे दिन में कर लो, 14 घंटे नींद में चले गए, और बाकी बचे कोई 5-6 घंटे वो खाने में कमाने में चले जाएंगे। तो पूरे दिन भर जब तुम सबके साथ में व्यवहार करते हो, माँ के साथ, भाई के साथ, पति पत्नी के साथ में, उनके पास आधे घंटा घंटा दो घंटा बैठते हैं, तो कभी तो समय निकालकर आधे घंटा इनके पास भी बैठो, कभी आधा घंटा निकालकर कभी बैठे कृष्ण के पास, ईमानदारी से बताओ, कभी एकांत में किसी से कोई वार्तालाप नहीं, आधे घंटे का समय निकालकर केवल बाबा श्याम से ही बात करनी है, और कोई ना हो एकांत में। देखो हमारी निष्ठा नहीं है, हमारी नहीं। एक संतों की वार्तालाप हमने सुनी, एक संत दूसरे संत से कहे कि महाराज लोग क्यों दौड़ रहे हैं कि भगवान मिल जाए, क्यों दौड़ रहे हैं भगवान मिल जाए, भगवान मिला हुआ ही तो है। दूसरे संत ने पूछा कैसे मिला हुआ है, बोले मिला हुआ नहीं, हमने भगवान की प्रतिमा लगाई है, हर मंदिर में प्रतिमा, हमारे घर में प्रतिमा, और ब्राह्मण को बुलाकर हम उसमें प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब समझते हो, उसमें प्राण आ जाना, यानी कि वो सजीव हो जाना, जैसे हम हैं, वो प्राण प्रतिष्ठा हम करवा देते हैं। ब्राह्मण को बुलाया, प्राण प्रतिष्ठा करवाई, तो भगवान तो मिल गए ना भाई। प्राण प्रतिष्ठित अगर मूर्ति आपके घर में, उसमें प्राण है, ब्राह्मण के द्वारा अभिमंत्रित करा के उसको प्रतिष्ठित किया, तो वो भगवान है कि नहीं, वो हमारे घर में हमारे मंदिर में मौजूद है, फिर तुम उसको कहां ढूंढ रहे हो, कैसी खोज है तुम्हारे, जो मिला हुआ है खाक में छोड़ो और गांव में ढिंढोरो, जो तुम्हारे पास है, तुम्हारे नजदीक है, हर पल तुम्हारे साथ है, उसको तुम कहां ढूंढ रहे हो। जब तुम्हारे पास मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा है, या तो तुम उसको भगवान मानते नहीं हो, अरे खाटू श्याम जी के मंदिर में जो मूर्ति लगी हुई है, या तुम खाटू जाते हो, जो मूर्ति लगी हुई है, क्या तुम उसको भगवान मानते हो, बोलो ना, यस या नो, मानते हो, तो फिर उस भगवान को कहां ढूंढ रहे हो, वो तो तुम्हारे सामने बैठा है, वो तुम्हें मिला हुआ है।
पर केवल आंखों ने देखा है, मन की आंखों ने स्वीकार नहीं किया है। और जिस दिन तुम स्वीकार कर लोगे तो महाराज वो चलेगा भी, वो फिरेगा भी और वो खाएगा भी। और जिस दिन ये दृश्य तुमने देख लिया फिर तुम किसी को कुछ बताओगे नहीं, क्योंकि तुम बताने के लायक रहोगे भी। फिर वो अवस्था परमहंसों की वो अलग अवस्था हो जाती है, फिर वो कुछ कहने के बता। जिस दिन तुमने उस मूर्ति को भगवान समझ लिया ना, सच कहता हूं वो मूर्ति खाएगी भी, वो पिएगी भी, और वो मूर्ति तुमसे बातें भी करेगी, वो बात भी करेगी तुमसे। पर जिस दिन तुम ये समझोगे, केवल दो दाने मिश्री के सुबह, दो दाने मिश्री के शाम को, जैसे एक पूरे घर में पूरे दिन में जैसे व्यवहार करते हैं काम करना, वैसे वो एक काम है। और अचंभे की बात तो तब होती है कि भैया जब घर में कोई बड़ा काम होता है ना, तो सबसे पहले हम क्या बंद करते हैं, बोलो ना। कहीं बाहर गांव जाना हो जल्दी में तो सारे काम हम करेंगे, वैसे एक ही काम नहीं होता है। बोले माँ आज मैं बाहर जाऊं, एक काम कर दिया बती तू ही कर दे। आज हमारे पे बड़ा आदमी हंसी पे बड़ा गनाई ताजी, हमारे घनों काम है तो आज पाठ ठीक कर दे। खाना समय पर, भोजन समय पर, नींद समय पर, नहाना धोना, यानी कि एक भी क्रिया को हम चुकाते नहीं है। अगर थोड़ा सा हमारा शेड्यूल बिजी हो गया तो एक ही काम चुकेगा, वो है हमारी रोज की प्रार्थना, वो है हमारी रोज की आराधना पूजा, वो छूट जाएगी, बाकी और कुछ नहीं छोड़ेंगे। अच्छा उपवास के दिन थोड़ा सा धीमे, उपवास का दिन छोड़ दो। उसके अलावा कभी कोई स्वास्थ्य बीमार हो गया वो भी छोड़ दो। उसके अलावा आपने ऐसा एक भी दिन चुकाया जिस दिन आपने भोजन नहीं किया हो, ईमानदारी से आज तक के जीवन में? भाई लोगों से भी पूछ रहा, एक भी दिन ऐसा आपने चुकाया जिस दिन आपने भोजन नहीं किया हो? एक भी दिन हम नहीं चुकाते। ऐसा एक भी दिन चुकाया जिस दिन हमने श्रृंगार नहीं किया हो? ऐसा एक भी दिन चुकाया जिस दिन हमने अपने आप की बड़ाई नहीं की हो? ऐसा एक भी दिन जिसमें हमने इधर उधर की बातें नहीं की हो? सारे काम तो करते हैं पर ऐसे कई दिन आप याद करो, उस दिन हमने पूजा नहीं की, उस दिन पाठ नहीं किया, उस दिन भगवान को याद नहीं, वो ऐसे दिन निकल जाएंगे। वक्त जिस दिन बन जाओगे ना उस दिन बाकी सब छूट जाएगा, पर इसकी आराधना नहीं छूटेगी, बाकी सब छूट जाए, बाकी सब छूटे। तो भगवान की भक्ति ये नहीं है कि मंदिर में ठाकुर को लाकर बिठा दिया, दो दाने मिश्री के सुबह, दो दाने शाम को दिया, धूप कर दिया, ये भक्ति नहीं है। कई कई गरम तो महाराज जी दशा भक्ति सत्संग ये बहुत ऊंची बातें हैं साहब, कई कई घरों की तो ऐसी दशा है, साधना करना, आराधना करना, भक्ति करना, भजन करना, ये बहुत ऊपर की बातें हैं। कई कई घर तो हमने ऐसे भी देखे हैं जिन घर के लोगों को भगवान की दर्शन और दिया धूप के लिए भी समय नहीं। सच कहता हूं उसके भी लिए भी समय नहीं। शाम को 8 बजे टेलीविजन पर नाटक आता है तो माताजी जल्दी जल्दी काम कर रही है, फटाफट हाथ चला रही है। मैंने कहा माताजी बड़ी जल्दी है, बोले महाराज थान था गोने 8 बजे मारा नाटक आ, 8 बजे जो नाटक आएगा, धारावाहिक आएगा, वो तो हमको याद है, पर महाराज 7 बजे संध्या का समय होता है दिया धूप करना है, वो याद नहीं है, वो याद नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसके प्रति हमारी चेष्टा नहीं है, लगन नहीं है। और जहां पर हमारी लगन होती है ना वही कार्य के प्रति हमारी उत्सुकता होती है, उसी कार्य में हमारी उत्सुकता होती है। दियाबती तो याद लिलाना पड़े सा है, अरे दियाबती रो टम कोई कई गरम बूढ़ी बूढ़ी दादी जी कांस कर वो करे, अरे छोरा दियो कर दियो। अब दादी जी तो उठी जाए नहीं, हाथ धूजे गेडियो लेर खाई दिया धूप करे, पर डोकरी बिचारी बेटी बेटी कांस कर वो करे, अरे छोरा दियाबती रो टाइम हो गयो टीवी बंद कर दियो, अरे दिया धूप कर दो। दादी जी कांस कर अपन याद नहीं है। और वीर मैन भी
मोटियार लुगाई ने कहे डावड़ी दियो तू कर दे, वो कहे मारे रोटियां बनाने मोड़ो हुआ छोरा तू कर दे, छोरो कहे मारे ट्यूशन नो टाइम हो गया बाई कर दे। ये हमारे घर की सही मायने में दशा। तो सच बताइएगा, क्या हम भक्त हैं? दिया बत्ती करने के लिए हमारे प्रति श्रद्धा नहीं, भाव नहीं, समय नहीं, चिंतन नहीं, तो क्या हम भक्त हैं? एक दो बार कथा में आकर बैठ गए हम भक्त हो गए? दो चार बार किसी गाय को चारा खिला दिया, दो चार कोई व्रत कर लिए हम भक्त हो गए? दो बार किसी तीर्थ में जा आए टीका लगा लिया हम भक्त हो गए? हुए कुछ नहीं और ढिंडोरा पूरा पीटेंगे। भक्ति है क्या? भक्ति सुतो तो तरुणो गृहित्वा प्रेमे करूपा सहसा विराशित। भक्ति सुतो तरुणो गृहित्वा प्रेमे करूपा सहसा विराशित। जो प्रेम रूप में तुम्हारे हृदय के अंदर विराजमान है वही भक्ति है। अगर तुम बाबा से श्याम से प्रेम करते हो ना, वो तुम्हारा प्रेम ही काफी है। बाकी ये तुम्हारे हार, ये तुम्हारा इत्र, ये तुम्हारी माला, ये पुष्प, ये सब तो साहब एक एक क्रिया है, ये सब गुण है। प्रेम जहां पर ये कुछ भी मायने नहीं रखता। और जो तुम चढ़ा रहे हो ना, जो तुम दे रहे हो अर्पण कर रहे हो, ये इसी ने ही दिया है। अब इसका दिया इसको चढ़ा रहे हो तो क्या कर रहे हो? तो बड़ा काम नहीं कर रहे हो। तो क्या क्या है भक्ति? बोले भैया अंतरंग प्रेम जिसके हृदय में विराजमान है वही भक्ति है। और जो प्रेमी होता है ना, वो प्रेमी अपने प्रेमी को कभी भूलता नहीं है सर। प्रेमी अपने प्रेमी को कभी नहीं भूलेगा। गोपियां तो कृष्ण से कहें, कृष्ण त्रुटि युगाई अंते। विचार करना उन अलौकिक भक्तों के ऊपर, त्रुटि युगाई अंते। त्रुटि किसे कहते हैं? ये जो हमारी पलक झपकती है ना, इस पलक झपकने के चौथे भाग को त्रुटि कहते हैं। और गोपियां क्या कहती हैं? बोले कृष्ण श्याम तुम्हारी विरह में एक एक त्रुटि एक एक युग के समान प्रतीत होती है। तो कहां उन गोपियों का भाव और कहां हमारा? वो यात्रा हमको करनी है, त्रुटि युगा यंते, एक एक युग एक एक त्रुटि के त्रुटि युग के समान प्रतीत हो। ऐसे प्रेमी कहां पर हैं? तो श्याम की भक्ति वो नहीं है कि तुमने प्रसाद चढ़ाया, माला चढ़ाई और निवड़ गए। नहीं, वो भक्ति नहीं। वो तो भक्ति का एक एक, एक क्रिया है। भक्ति तो वो है सच्चे दिल से तुम प्रेम करते हो। और जब तुम श्याम के सामने होते हो, श्याम के सामने होने का मतलब समझ गए क्या? तुम मंदिर में बैठे हो और बाबा तुम्हारे सामने बैठे हैं, यही श्याम के सामने होना नहीं है। ऐसा कोई धरती का कण नहीं है, ऐसा कोई हवा का वेग नहीं, हवा का झोंका नहीं, ऐसे कोई जल की लहर नहीं, ऐसी कोई पुष्पों की सुगंध नहीं है, ऐसे कोई चांद्रमा की चांदनी नहीं है जिसके अंदर श्याम की प्रतिभा ना हो। ध्यान देना, ऐसा कोई समय नहीं है, ऐसी कोई खुशबू, ऐसी कोई चांदनी, ऐसी कोई लहर, ऐसा कोई हवा का झोंका जिसमें श्याम न हो, ऐसा है ही नहीं। हर पल तुम तो इसको निहारते हो, घड़ी दो घड़ी, पर ये तुमको निहारता है हर घड़ी, हर घड़ी देखता है तुमको। तो हर पल तुम श्याम के सामने हो, हर पल। एक कोई शराबी किसी धर्म स्थल पर बैठकर शराब पी रहा था, तो किसी धर्मनिष्ठ व्यक्ति ने आकर कहा कि अरे भैया तुम्हें लज्जा नहीं आती? बोली क्यों? अरे तुम इस धर्म स्थल पर बैठकर भगवान के समक्ष बैठकर मदिरा पान कर रहे हो। काम तो वो गलत कर रहा था, पर उसने जवाब बहुत बढ़िया दिया। काम तो निश्चित उसका गलत था, पर उसने जो जवाब दिया वो अति सुंदर था। उस बुद्ध पुरुष ने कहा कि तुम भगवान के सामने बैठकर शराब पी रहे हो, बड़ा पाप कर रहे हो। उस शराबी में नशे में ही कहा, पर बात बड़े पते की कही। शराबी कहने लगा, अरे भैया तो चल तू मुझे वो स्थान बता दे जहां पर तेरा भगवान नहीं है। वो स्थान मुझे बता जहां पर तेरा भगवान नहीं है, मैं वहां जाकर मदिरा पान करूं। और क्या हम ऐसा स्थान बता सकते हैं जहां पर परमात्मा नहीं, जहां पर हमारा बाबा श्याम नहीं? हर कण कण में
भगवान विराजमान है, कण कण के अंदर विराजमान है। गोपियां तो उद्धव से कहती है, उद्धव ये तो प्रेम की बात है, उद्धव है यहां सर दे के होते हैं सो दे। अगर अपने प्रेमी के लिए, अरे पुष्प माला हार की क्या बात करते हो, हमें तो अपने प्रेमी के लिए अगर शीश भी दान करना हो तो हम कर देते हैं। और ऐसा किया हमारे बरबरक ने, अरे जो बाबा श्याम जो कृष्ण प्रेमी थे, कृष्ण ने शीश मांग लिया और उतार कर शीश दान भी दे दिया, इसलिए शीश के दानी कहे। ये खुद प्रेमी है साहब, इसके जैसा कोई प्रेमी नहीं है, श्याम के जैसा कोई प्रेमी नहीं है। कृष्ण से प्रेम करते थे, कृष्ण शीश मांगा और उतार कर दे दिया। अगर तुम इसके प्रेमी हो तो तुम इसके लिए क्या कर सकते हो, अरे करना क्या है, बस इसके लिए समय निकाल लो, घड़ी दो घड़ी इसके समक्ष आकर बैठ जाओ, इसका दिल खुश हो जाएगा। मेरा चाहने वाला मेरे सामने आकर बैठा, एक प्रियतम को और क्या चाहिए, क्योंकि प्यार में प्रेम में केवल देना ही देना होता है, प्रेम में कभी लेना बनता ही नहीं, प्रेम में लेना नहीं होता। माँ बेटे से, बेटे को माँ से, पति पत्नी से, भाई बंधु से, सखा मित्र से, हम सबका एक दूसरे से प्रेम का रिश्ता है। पर सच्चा प्रेमी कौन, बोले जिसने देना ही सीखा। प्रेम में लेने की कोई परिभाषा नहीं है, प्रेम में केवल देना ही देना होता है, है? उद्धव जी जैसे कहे, गोपियों ने कहा उद्धव वो ये तो प्रेम की बात है, ओ दो बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है, ओ दो बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ बाबा से प्रेम करते हैं ना, सुबह मंदिर जाएंगे, शाम को मंदिर जाएंगे, ऐसी कोई गणित नहीं है प्रेमियों के लिए साहब। जब मन में आ गई मिलने की, जब आत्मा तपने लगी उनके दर्शन के लिए, चाहे रात हो चाहे दिन हो चाहे दोपहर हो, रवाना हो गए, बस दर्शन करना तो करना, मिलना तो मिलना, ये तड़प होती है प्रेमियों की। इसलिए क्या कहा, यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है,
सिंह जी की जो असल फकीरी की राम नाम की मस्ती जो है ना वो बड़ी गजब की है, और जो इस मस्ती में डूब जाए फिर उसको संसार की सारी मस्ती फीकी लगती है। और जो राम नाम के जो श्याम नाम के प्रेमी होती है ना, जो वो मस्ती में डूबते हैं ना, तब उनको ताली बजाने के लिए कहना नहीं पड़ता, वो तो राम के नाम के यूं ही झूम उठते हैं साहब। एक भक्त ने बड़ा सुंदर कहा, मेरे श्याम ये बता दे वो शराब कौन सी है, मेरे श्याम ये बता दे वो शराब कौन सी है, जिसे पी के सारी दुनिया संसार की मस्ती कैसी, सुबह चढ़ेगी रात को उतर जाएगी, रात को चढ़ेगी तो सुबह इतनी रहती है, पर राम नाम की मस्ती श्याम नाम की मस्ती आहा, एक बार अगर चढ़ जाए तो फिर जीवन में कभी उतरती नहीं है। जो असल में है मस्ती में तू नहीं है, जिनकी नजरों में मोहन सभाए
बाबा ने खुद ने दिया है साहब, प्रेम में ही तो दिया है, हैं? वरना ये तो इतने वीर थे, इनकी वीरता की महिमा स्कंद पुराण में गाई। 9 करोड़ की लगभग कौरवों और पांडवों की सेना, जिनको एक तक्षण में मारने की जिनका सामर्थ्य, और उन्होंने प्रेम के अंदर अपना शीश बलिदान कर दिया। और प्रेमी को प्रेमी ही अच्छे लगते हैं साहब, हैं? इनको ढोंगी अच्छे नहीं लगते हैं, इनको पाखंडी अच्छे नहीं लगते हैं, इनको दिखावा करने वाला भी अच्छा नहीं लगता है। आपका दिखावा संसार में सब जगह चल जाएगा, पर यहां पर नहीं चलेगा। यहां तो सच्चा सौदा है साहब, यहां पर तो सच्चाई चलती है। हम दुनिया के सामने मुखौड़े पर मुखौड़ा चढ़ा सकते हैं, पर इसके सामने मुखौटा नहीं चलता। एक भक्त ने किसी साधु से पूछा, बोले महाराज हम भगवान के सामने शाम को घर जाते हैं, दिया अगरबत्ती करते हैं, क्यों? तो साधु ने कहा, वनस्पति यशो भूतो गंधाढ्यो गंधुत्तमम, भगवान को धूप पसंद है और उनको पसंद करने के लिए, उनको खुश करने के लिए धूप किया जाता है। उसने कहा, नहीं महाराज ये जवाब ठीक नहीं है। तो पंडित जी महाराज ने कहा, फिर तू कुछ सोच के आया होगा, तू ही बता दे क्या जवाब है। बोले महाराज हम भगवान के आगे अगरबत्ती इसलिए कर देते हैं कि दिन भर खोटे काम किए हैं, दिन भर झूठ बोला है, अब भगवान को सामने क्यों मुंह लेकर जाए, क्या अपना मुंह उनको दिखावे। दिन भर झूठ बोले, क्रोध किया, गलत कार्य किए, अब भगवान को क्या मुंह दिखाएं, इसलिए अगरबत्ती करके बीच में धुआं कर देते हैं ताकि वो हमारा मुख ही न देख पाए। बोलो द्वारिका नाथ की, क्या अगरबत्ती इसलिए की जाती है? देखिए ना भाई, ये जो विषय है वो केवल भाव और प्रेम का, श्रद्धा का विषय है। आज महाराज पंडित जी ने अपने गुरु के अंदर परमात्मा के स्वरूप का दर्शन कर लिया। कोई मां के अंदर, कोई पिता के अंदर, कोई प्रतिमा के अंदर जो वास्तविकता में परमात्मा का भक्त है ना, तो वो भगवान मिल जाए ऐसी दौड़ वो कभी नहीं लगाएगा। अरे भगवान तो मिला हुआ है, जब खाटू श्याम की दिव्य प्रतिमा, प्रतिष्ठित प्रतिमा हमारे सामने विराजमान है, तो मिलना कैसा। अब तो हमको अपना दृष्टिकोण चेंज करना है, उसके अंदर परिवर्तन करना है। भगवान की सेवा मूर्ति मानकर सेवा मत करो, तो कैसे सेवा करे? बोले भगवान को अपने घर का सदस्य मानकर सेवा करो। दो दाने मिश्री के सुबह और दो दाने मिश्री के शाम को आपको चगड़ाया दिया जाए तो कितने दिन जीवन चलेगा आपका, है? बोलो ना। दो दाने मिश्री के सुबह और दो दाने शाम को आपको दिए जाएं तो आपका जीवन कितने दिन चलेगा, है? 5-7 दिनों में पलकी उठनी बंद हो जाएगी, बाजू उठाना तो दूर की बात है।
भगवान को घर का सदस्य समझो, और जो भी तुम्हारे घर में बना है रूखा सूखा जो तुम खाते हो वो कब हो, अगर तुम घर में 6 सदस्य हो ना तो घर में भोजन बनाओ 7 जनों का। एक जना कौन और हो गया, बोले हम श्याम प्रेमी हैं तो हमारा श्याम भी तो हमारे घर में ही रहता है, तुम अपने 6 के लिए भोजन बना लिया क्या, इसके लिए नहीं बनाओगे, ये कहाँ जाएगा, और ज्यादा दिन भूखा रहेगा तो कहीं ना कहीं तो जाएगा ही, यहाँ पे तो भक्त अपना बना के खा लेते हैं। तो भोजन कितनों का बने, बोले 7 जनों, और जो श्याम प्रेमी जिसने श्याम के लिए भोजन बनाया बाबा को भोग लगाओ, और बाबा के निमित्त बना हुआ भोजन किसी अतिथि को खिलाओ, किसी भूखे को खिलाओ, और कोई न मिले तो गौ माँ का गौ माता के मुंह में वो भोजन दे देना। मैं गारंटी लेता हूँ व्यासपीठ से, गाय के मुंह में तुम जो भोजन दोगे वो सीधा मेरे श्याम तक पहुंच जाएगा, ये गारंटी है, सीधा पहुंचे। तो इसके निमित्त रोज सुबह शाम भोजन बनाओ, जो तुम खाते हो जैसे तुम्हारे लिए थाली सजती है वही थाली सजा के इसके सामने भोग लगा, और दिन में समय मिले ना, सुबह दिया बत्ती घुमा दिया, शाम को दिया बत्ती घुमा दिया, ये भक्ति नहीं है। अरे जब भी तुम्हारा मन करे, जब भी तुम्हारा दिल रोए इसकी याद में, जब भी तुम्हारे अंदर अकाथ भक्ति प्रेम जागृत हो, उत्कंठा लालसा प्रीति, तभी जाकर इसके सन्मुख बैठ जाना। और जैसे माँ के साथ बात करते हो, पिता के साथ बात करते हो, पत्नी के साथ समय बिताते हो, यार मित्रों के साथ बातें करते हो, वैसे ही अपने मन की यथा व्यथा जो भी तुमको परेशानी है, जो भी तुमको अच्छा लगा, जो तुमने देखा, जो तुम करना चाहते हो, कभी इसके पास में एकांत में बैठकर कहो कि बाबा मैं ये करना चाहता हूँ, मैंने ये किया है, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ, इसके साथ बातें करो, बड़ा अच्छा लगेगा। बस दृष्टि हो हमारी सर्वमयी चैतन्य, सबके अंदर परमात्मा को देखे, सब जगह भगवान हमको दिखाई पड़े। अरे भाई साहब क्या बताएं, हमारे संत नामदेव उन्होंने तो प्रेत के अंदर भगवान को देख लिया, भूत के अंदर, कल्पना कर सकते हो। नामदेव जी किसी सरोवर से जल भरने के लिए गए, उसके आसपास की जो भूमि थी वो प्रेत युक्त थी, बड़ी प्रचलित कथा है। और जो ही नामदेव जी उसमें से वो भरने लगे झारी, तो सामने से एक प्रेत आकर खड़ा हो गया, बड़ा भयंकर रूप, तीक्ष्ण नाखून, बड़ा विशाल स्वरूप, लाल लाल आंखें, प्रेत का रूप उन्होंने देखा, प्रेत को देखा है, भूत को देखा, और भूत में ही भगवान को भी देखा, क्योंकि परमात्मा तो सर्वत्र है, पर भूत के अंदर प्रेत के अंदर भगवान को देख लिया। आपने देखा भूत कभी है? बोलो ना, प्रेत देखा है क्या कभी? भूत नामदेव जी ने देखा, और भूत के अंदर भगवान को भी देखा। आप ऐसा नहीं मानना कि ये भूत प्रेत कुछ होता नहीं, सब होते हैं, और इसका प्रमाण है सबसे पहले तो भागवत, भागवत में सबसे पहले धुंधुकारी की कथा आती है, प्रेत योनि में गया और फिर मुक्ति उसको मिली। तुलसीदास जी की जीवनी पढ़ो, तुलसीदास जी को हनुमान जी मिले किसके द्वारा? एक प्रेत के द्वारा, प्रेत ने ही मार्गदर्शन किया था। आज नामदेव जी ने भी एक प्रेत को देखा, अब जो ही प्रेत को देखा शायद हमारे जैसा होता तो क्या होता भाई, वहां पर मामला गड़बड़ हो जाता। पर नामदेव जी ने क्या देखा, प्रेत को देखा, और प्रेत को देखते ही दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भक्त है ना, सर्वत्र परमात्मा ही दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि उसको पता है कि उसके बगैर तो कुछ है ही नहीं। आज उस प्रेत ने भी भगवान को देखा, हाथ जोड़कर खड़े हो गए और देखा, ओ प्रभु आज ये कौन सा रूप धारण किया है, राम रूप, कृष्ण रूप, श्याम रूप, नरसिंह रूप, वामन रूप, और आज प्रेत रूप। अरे वाह प्रभु, क्या क्या अद्भुत रूप में आपने दर्शन दिया है। और वहीं पर नामदेव जी के मुखारविंद से एक पद निकल गया, एक सुंदर पद उन्होंने रच दिया है, बड़ा सुंदर पद है, गा के सुनाऊंगा। नामदेव जी लिखे मालकोश, हाँ बड़ा सुंदर पद है। आज मेरे आए लंबकनाथ, आज मेरे आए लंबकनाथ,
आज मेरे आए नंबर नाथ, आज मेरे आए नंबर नाथ। धरती पर स्वर्ग लो माथो, धरती पर स्वर्ग लो माथो, जो जन भरी भरी हाथ, आज मोरे आए नंबर नाथ, आज मोरे आए नंबर नाथ। धरती पांव स्वर्ग लो माथो, प्रेत का स्वरूप कैसा है बोले, उसके पांव तो धरती पर है और माथा बोले अनंत आकाश को छू रहा है, जो जन भरी भरी हाथ, कैसा रूप है प्रेत का, बड़ा विशाल का शरीर, पांव धरती पर, सर कहीं पर है, एक एक जोजन जिसके हाथ है। ओ स्वर्ग लो माथो, धरती पांव, स्वर्ग लो माथो, धरती पांव, जोजन भरी भरी हाथ, आज मोरे आए बकनाथ, आज आए शिवसन पादिक पार न पावे, शिवसन पार नहीं पावे, शिवसन पादिक पार न पावे, शिवसन पार नहीं पावे, कितने साथ हो, कितने सका है साथ, आज मोरे आए बकनाथ, आज मोरे आए बकनाथ। लिख दिया शिव सनकादिक पार न पावे, अगर प्रेत में प्रेत को देखते तो कभी ये बात नहीं लिखते कि शिव सनकादिक पार ना पाए, शिव सनकादिक ने किसका पार नहीं पाया, केवल एक परमात्मा का, बाकी तो वो सब जानते हैं। अरे प्रभु आज नामदेव के लिए आप इस रूप में पधारे हो, नामदेव के अंतर्यामी, नामदेव के अंतर्यामी, मुझ पर की है, धरती पांव स्वर्ग लो माथो और जोजल भरी भरी हाथ, इतना अद्भुत रूप शिव सनकादिक पार नहीं पावे, कितने सखा भय साथ है? अब कोई भूत आवे तो अकेला थोड़ी आता है, चार पांच भूतों को लेकर ही आता है, और नामदेव जी कहे प्रभु कितने सखा भय साथ है? आप इस रूप में आए और अपने सखा को भी साथ लाए, नाम देव के प्रभु अंतर्यामी, मोहितियो सनाथ है? प्रभु आज आपने दर्शन देकर मुझके मुझको सनाथ कर दिया,
बड़ी कृपा की है। ये केवल भाव है, प्रेत के अंदर भगवान को नामदेव जी ने देखा है। प्रहलाद के लिए तो खंबे में से प्रकट हो गए, बड़ी महिमा है। ऐसे श्याम बाबा का दिव्य चरित्र, तो बाबा की कथा में हम प्रवेश करें, सबसे पहले उनसे प्रेम करिए, उनके प्रति जो हमारे मन में संशय है उस संशय को खत्म कर दिए, करके अथाक श्रद्धा के साथ फिर उनका चरित्र सुने। अब बाबा श्याम का चरित्र सुनना है, उनको जानना है, तो महाराज पहले बाबा के जीवन को जानना होगा, उनके तप को जानना होगा, बाबा की महिमा को जानना होगा। हम जानते हैं कि बाबा के अंदर बड़ी कृपा है, बड़ी शक्ति, बड़ा सामर्थ्य है, पर वो सामर्थ्य कहाँ से आया, कैसे आया? हम जानते हैं कि बाबा के पास तीन बाण धारी हैं और एक बाण में कौरवों से यदुवंशियों से कह दिया कि मेरा एक ही बाण काफी है। इतना सामर्थ्य तो किसी बड़े तपस्वी के अंदर हो सकता है। तो उस बाबा के संपूर्ण चरित्र को हमको जानना है। श्याम बाबा की चरित्र की एक विलक्षण लीला है जो बड़ी कम प्रचलित है, कम लोगों को ध्यान में है। तो मैं बाबा श्याम की उस चरित्र को उसी कथा से ही प्रारंभ करता हूं। थोड़ा धीरे, थोड़ा सा धीरे। बड़ी बड़ी प्रचलित और अद्भुत कथा है बाबा श्याम की, जो अभी तक श्याम भक्तों के बीच में प्रचलित नहीं है या कई लोग जानते भी हैं। गुप्त क्षेत्र महीसागर, नाम सुना आपने? इस भारतवर्ष में जैसे प्रवास क्षेत्र है, प्रयाग क्षेत्र है, प्रयाग को जानते हो ना, जहां पर त्रि नदियां विराजमान है, त्रिवेणी जिसको हम कहते हैं, वो प्रयाग क्षेत्र है। और ये जो द्वारिका, सोमनाथ, ये जो गुजरात का क्षेत्र, इसको प्रभास क्षेत्र कहते हैं। ऐसे ही एक गुप्त क्षेत्र हो रहा है जिसका नाम ही गुप्त है। गुप्त का मतलब है जो सबके जानने में नया, मही क्षेत्र, मही सागर जिसको कहते हैं, उस मही सागर की कथा है बाबा की, बड़ी दिव्य कथा। इनके जीवन का ये सबसे उच्चतम ये बात होगी जो मैं आपको भी बताने जा रहा हूं। बाबा के पास खूब सामर्थ्य है, शीश दान किया, तीन बाणधारी हैं, खूब उनका सामर्थ्य, ये सब बातें बड़ी विशेष हैं, पर अब ये जो कथा हम सुनने जा रहे हैं बड़ी विशेष है। बाबा की इस पूरे स्कंद पुराण की कथा में और श्याम महिमा से जुड़ी हुई कथा में ये सबसे बड़ी बात है। एक ऐसा तीर्थ जिसकी महिमा पूरे समाज में, पूरे संसार में बड़ी है, उसे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। और ऐसे तीर्थ को श्राप लग गए, और वो श्रापित तीर्थ जो तीर्थ सबको पापों से मुक्त करता है। इस महीसागर के बारे में ये कहा गया है, इस गुप्त क्षेत्र के बारे में ये कहा गया है कि आप एकादश बार, 11 बार प्रभास क्षेत्र में जाओ, सोमनाथ द्वारिका जाओ 11 बार, और 13 बार जाओ आप त्रिवेणी में, और उनमें जाने पर जितना फल प्राप्त होगा, 13 बार द्वारिका गए, 13 बार इलाहाबाद त्रिवेणी गए, उतना जो पुण्य है वो पुण्य केवल गुप्त क्षेत्र में जाने से मिलता है, वो पुण्य केवल इस मही सागर में स्नान करने से मिल जाता है। पर ये गुप्त क्षेत्र है, आज तक प्रकट नहीं हुआ, मैं तो इसकी कथा भागवत में आई, न शिव पुराण में आई, ये कथा तो श्याम पुराण में है साहब, श्याम बाबा से जुड़ी हुई कथा है। तो आज श्याम कथा हो रही है तो वो गुप्त क्षेत्र हमको मालूम पड़े कि वो कहाँ है, और हम भी जाएं मारा है। कौन वो गुप्त क्षेत्र? मही सागर, जिसको श्राप लग गए, और बाबा श्याम ने, बरबरिक जी ने उस तीर्थ को श्राप मुक्त किया। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात है? ब्रह्मा के, धर्मराज के श्राप से पीछा छुड़ाया किसने? बरबरिक जी ने। इनके जीवन पर हमको विचार करना। एक समय की बात, कोई भी पुराण की जब कथा प्रारंभ होती है ना, तो सबसे पहले ही आता है एक समय ऐसा घटित हुआ। स्कंद पुराण की कथा भी प्रयाग क्षेत्र में बैठकर सनकादिक ऋषियों ने सुत जी महाराज से सुनी है,
और उन्होंने आज इस ब्रह्मा के महिसागर के श्राप की कथा पूछी, कैसे इस महिसागर को श्राप लगा। और बरबरिक जी ने, जो घटोत्कच भीम के पौत्र हैं और घटोत्कच जी के पुत्र हैं, जिनकी मां का नाम है, जानते हो कि नहीं, क्या नाम है? बरबरिक जी के पिताजी का नाम है घटोत्कच और माता का नाम है मोरवी, है काम कंटंकटा। दादी का नाम है हिडम्बा और दादाजी का नाम है भीम। दादा भी तपस्वी, दादी भी तपस्वी, हिडम्बा ने भी खूब तपस्या की, स्कंद पुराण में प्रमाणित है। दादा भीम तपस्वी, दादी हिडम्बा तपस्वी, पिता घटोत्कच ने भी तप किया और माता मोरवी का तो कहना ही क्या। काम कटंग कटा माता मोरवी, दैत्य मूर की पुत्री, मां कामाख्या की, भगवती की उपासक, बड़ी तपस्वी। और मां तपस्वी थी तभी तो ऐसा तपस्वी बरबरिक के जैसा महापुरुष उत्पन्न हुआ। आज पूछा ऋषियों ने, बोले महाराज ये तीर्थ को श्राप कैसे लगा? अच्छा श्राप लगा तो फिर इस तीर्थ को श्राप से मुक्ति कैसे मिली? बड़ी सुंदर कथा है। एक बार ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में सारे तीर्थों को बुलाया, सारे तीर्थ ब्रह्मलोक में उपस्थित हुए। प्रयागम कुरुक्षेत्रम राम सेतु की पुष्करम जय प्रयागम जय काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम सेतु बंधे तु रामेश्वरम। जितने तीर्थ हैं प्रयागराज काशीराज, उन सारे तीर्थों को इकट्ठा किया ब्रह्मलोक में। देवताओं की खूब मीटिंग हुई, खूब साधु संत आए, खूब देवता आए, धर्मराज भी मौजूद है, ब्रह्मा भी मौजूद है, भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय भी मौजूद है। धर्म सभा हो रही है और ये सभा किस लिए रखी गई? सारे तीर्थों का आह्वान हुआ और ब्रह्मा जी ने आज ब्रह्मलोक में आह्वान किया है कि अरे भाई, अब जब तीर्थ आए हैं तो हमारे भारतवर्ष में महिमा किन लोगों की है? बोले भारतवर्ष में महिमा, सबसे पहले महिमा है संतों की, दूसरी महिमा है गवों की और तीसरी महिमा है तीर्थों की। अगर भारत में तीर्थ न हो, गाय न हो और संत न हो तो महाराज शुद्ध भारत की कल्पना करना भी बेकार है। भारत की धरोहर है गौ माता, तीर्थ और संत। आज इन तीर्थों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके कहा कि भैया अब सबसे पहले कौन से तीर्थ की पूजा की? ध्यान देना, सबसे पहले कौन से तीर्थ की पूजा हो? तीर्थ में केवल स्नान ही नहीं होता, सीखना माता, तीर्थ में केवल स्नान ही नहीं किया जाता है अपितु तीर्थ की पूजा ही की जाती है। हरिद्वार गए, गंगा जी में डुबकी लगाए, नहाकर लौट आए, नहीं, कभी भी किसी तीर्थ में जाओ तो जाकर सबसे पहले उस तीर्थ का पूजन करो। आपके घर में कोई आए, आपसे राम राम भी नहीं किया, प्रणाम भी नहीं किया और सीधा भोजन करके चला गया, आपको कैसा लगेगा? बोलो ना, आपसे राम राम भी नहीं, प्रणाम भी नहीं, सीधा भोजन किया और रवाना। कभी भी किसी तीर्थ क्षेत्र में जाओ तो सबसे पहले क्या करना? उस तीर्थ की पूजा करना। ये हमारी धर्म प्रवृत्ति। आज सब सारे तीर्थ इकट्ठे हुए, ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया देवताओं आप ही बताओ सबसे पहले किस तीर्थ की पूजा की जाए, कौन तीर्थ बड़ा है, किस तीर्थ की महिमा कितनी ज्यादा है। अब सब सोच में पड़ गए कौन किस तीर्थ को बताए। सब तीर्थों की महिमा अपने आप में, अपने स्तर में एक से एक बढ़कर है, कौन तीर्थ की महिमा गाए जाए, किसकी महिमा का बखान करें, सब सोच में पड़ गए, कोई बोल नहीं रहा। तब ब्रह्मा जी ने उन तीर्थों से ही कहा कि भैया एक काम करो, आप ही बता दो, आप ही बता दो कि आप में सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है और हम आपकी पूजा करें, अर्घ्य प्रदान करें। आप कोई भी महापुरुष, साधु पुरुष, कोई बड़ा व्यक्ति, कोई साधु हमारे यहाँ पर आए तो उसको, हमारी प्राचीन एक पद्धति थी शास्त्रों में, उसको अर्घ्य प्रदान करते थे।
जब घर में कोई साधु आता तो घर के मोड़े पर ही, दरवाजे पर ही माताएं कलश लेकर जल का उनके श्री चरणों में जल अर्पण करती, वो अर्घ्य प्रदान करना होता। ये प्राचीन पद्धति है भारत की। कोई भी साधु महापुरुष आता तो उसको अर्घ्य दिए जाते। अब आज उसको अर्घ्य देवे तो सबसे पहले किसको देवे, कौन बड़ा? अब तो महाराज बात चली, किसको अर्घ्य प्रदान करें? आप ही बताओ। सारे तीर्थ तो एक दूसरे के सामने देखे पर कोई बोल नहीं रहा है, कोई नहीं बोल रहा। तब एक जने ने हाथ ऊपर किया, कौन बोले भाई? उसने कहा, महाराज अगर आप ये कोई बोल तो नहीं रहे हैं, और जब कोई बड़ा हमसे कहे कि तुम बताओ और हम न बोले तो भी अपराध बनता है। कोई बड़ा आदमी घर का हमसे पूछे ना कोई बात और हम उसका उत्तर न देवे, बोले नहीं, तो ये भी हमारा अपराध है। हमारे माता पिता बड़ों ने हमसे कुछ पूछा और हम उसका सही तरीके से जवाब नहीं देते तो ये हमारा अपराध है। आज कोई तीर्थ नहीं बोल रहा, कोई देवता नहीं बोल रहा, तो वहीं पर मही सागर नाम के तीर्थ विराजमान है। उन्होंने सोचा कि ब्रह्मा जी ने पूछा है और अगर हम नहीं बोले तो अपराध बन जाएगा, हमको बोलना चाहिए। और उन्होंने हाथ ऊपर कर दिया, बोले ब्रह्मा जी अगर आप पूछो कि सबसे पहले पूजा किसकी हो तो मैं कहूं कि सबसे पहले पूजा मेरी होनी चाहिए, सबसे पहले पूजा मेरी होनी चाहिए। अब सब तीर्थ देखने लगे, एक तो बोला और बोलकर क्या कहा कि मेरी पूजा होनी चाहिए। और कोई भी व्यक्ति अपने मुख से अपनी बड़ाई करे तो शायद किसी को भी अच्छा नहीं लगता। कोई अपनी फुटावनी करे तो आप हम भी कह देते हैं कि देखो आपने मुंडा ही फुटावनी करे, कहते हैं कि नहीं अच्छा नहीं लगता। कोई अपनी बड़ाई स्वयं करे। आज उस महीसागर ने देखा कि कोई बोल नहीं रहा है, पर उसने जो कहा ना वो सत्य था, झूठ नहीं बोले। महीसागर ने कहा, प्रभु मेरी पूजा सबसे पहले होनी चाहिए क्योंकि मैं सबसे महान तीर्थ हूं। तब तक ये गुप्त क्षेत्र नहीं, महीसागर के नाम से विख्यात है। अब तुम्हारी पूजा तो की जाए पर उसके पीछे कारण क्या है? ऐसा तुम्हें क्या है जो तुम्हारी प्रथम पूजा हो तो तुम्हारी पहले पूजा की जाए? महीसागर ने कहा, प्रभु कालांतर में मां पृथ्वी ने एक नदी का रूप धारण किया था। ये पुराणों में, स्कंद पुराण में ये कथा प्रचलित है। मां पृथ्वी ने एक बार जैसे गंगा गाय का रूप धारण कर लेती है, वैसे ही पृथ्वी ने गंगा का रूप धारण किया, नदी का रूप धारण किया। पूरी पृथ्वी नदी के रूप में प्रकट हो गई और उस नदी का नाम पड़ा अही। मही, अही तो कहते हैं सर्प को और मही कहते हैं धरती को। उस नदी का क्या नाम पड़ा? मही नदी। और वो मही नदी सागर में जाकर मिली तो उस तीर्थ का नाम क्या हो गया? मही सागर। धरती ने नदी का रूप धारण किया और नदियां सागर में ही जाकर मिलती है, वो मही नाम की नदी जब सागर में जाकर मिली तो उस तीर्थ का नाम पड़ गया मही सागर। और उस मही सागर की पुराणों में बड़ी महिमा गाई गई। और मैं बता दूं ये मही सागर कहां पर है। ये मही सागर गुजरात में बड़ौदा, और बड़ौदा से 90 किलोमीटर दूरी पर ये मही सागर तीर्थ स्थित है। कंबाई को नाम है गांव का, वहां पर ये मही सागर है। सागर का तट लगता है और वहां पर ये मही नाम की नदी आकर उनमें मिलती है। वो मही सागर नाम का तीर्थ वहां पर आज वो प्रकट हुआ। मही सागर ने आज ब्रह्मा को कहा, ब्रह्मा जी आज वो मही नाम की नदी आकर मुझ में मिली और सारे जितने तीर्थ हैं वो धरती पर ही तो विराजमान है, हैं? जितने तीर्थ हैं वो धरती पर ही तो विराजमान है। जब धरती ने ही नदी का रूप धारण कर लिया तो इसका मतलब है कि सारे तीर्थ आकर मुझ में ही मिल गए। ये जितने तीर्थ यहाँ पर बैठे हैं ये सारे तीर्थ मुझ में समाहित है, और ये बिल्कुल सत्य भी है। इसलिए मेरी पूजा सबसे पहली होनी चाहिए। मैं सबसे
बढ़ाओ। सारे देवताओं ने ये बात सुनी, तीर्थों ने भी ये बात सुनी, पर वहां पर धर्मराज जी विराजमान है। ये बात धर्मराज जी से सहन नहीं है, अपने मुख से अपनी बड़ाई कर रहा है, है? ये अच्छा नहीं है भाई। कई कई लोग होते हैं जहां पर बैठेंगे वहां पर ही अपनी महिमा का गान करना चालू कर देंगे, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ये करता हूँ, मेरा बेटा ऐसा, मेरी पत्नी ऐसी, मैंने ये किया है। अरे भैया ये भी अपराध है, अपने मुख से अपनी बड़ाई मत करो, कुछ ऐसा करो कि दुनिया आपकी बड़ाई करे। आज महीसागर ने अपनी बड़ाई की बात तो सत्य कही, पर कई मायनों में वो बात देवताओं को पसंद नहीं आई और सबसे ज्यादा धर्मराज जी को पसंद नहीं आई, और धर्मराज जी ने श्राप दे दिया। धर्मराज जी ने कहा, अरे महीसागर, इतने बड़े बड़े देवता ब्रह्मा यहाँ पर विराजमान है और तू अपनी बड़ाई स्वयं कर रहा है। तू कहता है मुझसे बड़ा कोई नहीं, मुझसे कोई महान नहीं, अरे तेरी खूब महिमा होगी। धर्मराज जी ने क्रोध में आकर कह दिया कि जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरी इतनी महिमा है फिर भी तुझे कोई संसार में जानेगा नहीं, तू गुप्त रहेगा, तेरी महिमा कभी प्रकट नहीं होगी, तुझे कोई नहीं जानेगा, तुझे कोई नहीं जान पाएगा। महीसागर बड़े उदास हो गए, इतने तपस्वी, और आज ही श्राप मिल गया, और धर्मराज जी ने आकर श्राप दे दिया, और महाराज इतना उनको बुरा लगा, धर्मराज जी ने क्रोध किया। कार्तिकेय स्वामी जो भगवान महादेव और माता पार्वती के पुत्र हैं, कार्तिकेय स्वामी ने हाथ जोड़कर धर्मराज जी से कहा, धर्मराज जी आप धर्म के अवतार हो और आप यूं क्रोध करोगे, आप धर्म के विरुद्ध कार्य करोगे तो सामान्य लोगों का क्या होगा। महाराज हम मानते हैं कि महीसागर से गलती हुई है, इसने अपने मुख से अपनी बड़ाई की है, पर इतनी भी बड़ी गलती नहीं हुई है जो आपने इतना बड़ा श्राप दे दिया। इतनी बड़ी गलती नहीं की इन्होंने, इन्होंने जो कहा वो सत्य कहा, इसने बिल्कुल झूठ नहीं कहा, पर आपने जो ये श्राप दिया है वो बिल्कुल ठीक नहीं। प्रभु इतनी वाणी में कड़वाहट है, क्रोध में होता है। आज धर्मराज जी को अपनी गलती पर पश्चाताप होने लगा, अरे हमसे अपराध तो हो गया, महीसागर ने बड़ाई की, हमने इसको श्राप दे दिया, ये हमने अपराध कर दिया, गलती कर दी, बहुत बड़ा अपराध हो गया। अक्सर होता है सज्जनों, आदमी जब क्रोध में और प्रेम में ज्यादा क्रोध आया हुआ हो और ज्यादा प्रेम उमड़ रहा हो, प्रेम में और क्रोध में लिए गए निर्णय लगभग गलत ही होते हैं। ध्यान देना भाई, ज्यादा किसी पर प्यार आता हो ना, प्रेम आता हो, और उस प्रेम में आपने कोई निर्णय ले लिया तो प्रेम में लिए गए निर्णय ज्यादातर सही नहीं होते, और क्रोध में भी लिए गए निर्णय सही नहीं होते। क्रोध आए ना तो तक्षण विश्राम करना चाहिए, क्रोध आए तो कुछ देर के लिए आंखें बंद कर लेनी चाहिए, आंखें बंद न हो तो क्रोध आए तो दर्पण के सामने जाकर खड़ा हो जाना चाहिए, क्रोध आए तो मौन धारण कर लेना चाहिए, क्रोध आवे तुरंत तो जाकर मटके में से गिलास भर के पानी मुंह में रखो ताकि वो क्रोध शांत हो, क्योंकि छोटे से क्रोध की अग्नि में बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती है। ये जो महाभारत का युद्ध हुआ ना, ये क्रोध में ही है, क्रोध में स्वयं का तो नाश होता ही होता है, दूसरों का नाश तो बाद में होगा, क्रोध में सबसे पहला नाश तो खुद का ही होता है। तो क्रोध को शांत
राम। राम बोले द्वारिका नाथ की श्याम प्यारे की जय। महाराज क्रोध में लिया गया निर्णय कभी सत्य नहीं होता है। कई कई लोगों की ऐसी भाषा होती है, बोले महाराज किन्नी बुरो लागे तो बोलो मैं तो साची केवा। कई कई लोगों की ऐसी बात होती है ना, क्रोध में आकर कड़वी बात कह जाते हैं और फिर ऊपर से ये और कहेंगे बोले महाराज किन्नी बुरो लागे तो लागो मैं तो साची केवा। ये बात हमारे घरों में तो आपने अक्सर सुनी होगी, किसी को बुरा लगे तो लगे, हमने तो ये कह दिया ये सत्य कहा है। पर भैया हमारे शास्त्र इसकी छूट नहीं देते। ये तुमको अच्छा लगा इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। शास्त्र कहते हैं कि सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो, ये ठीक है। सत्यम ब्रूयात न ब्रूयात असत्यम, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोले। पर सत्य भी कैसा बोले, बोले भैया सत्य तो बोले पर सत्य कैसा हो, बोले सत्य ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो पर वो सत्य कड़वा नहीं होना चाहिए। कड़वा सत्य भी तुमको पाप का भागी बनाता है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य तो बोलो पर सत्य के साथ में क्या हो, प्रिय हो, जो प्रिय लगे ऐसा ही सत्य हम बोले। है प्रियम न ब्रूयात, जो किसी को प्रिय न लगे ऐसा सत्य भी कभी नहीं बोलना चाहिए। ये हमारे शास्त्र श्रुतियां कहती हैं। आज धर्मराज जी ने क्रोध तो सच्चा किया, अपनी बड़ाई कर रहे थे पर उनका क्रोध करना ठीक नहीं था। पहली गलती तो थी महिसागर की जो अपने मुख से अपनी बड़ाई की, और दूसरी गलती हुई धर्मराज की कि बिना सोचे समझे क्रोध में आकर छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा श्राप दे दिया। पर महिसागर को ज्ञान करवाना भी तो जरूरी था, ज्ञान के लिए क्रोध किया जाए तो ठीक है, कई जगह पर छूट होती है क्रोध की। अगर कोई गुरु अपने शिष्य पर क्रोध करे तो उसका क्रोध बेकार नहीं होता। कोई पिता अगर अपने पुत्र पर क्रोध करे, अगर नहीं करेगा, पुत्र अगर गलत लाइन में चले जाए और माता पिता क्रोध न करे तो वो और ज्यादा बिगड़ जाएगा। तो उनके भले के लिए कभी कभार क्रोध करना ही पड़ता, पर कभी कभार रोज नहीं। एक शिष्य अगर गुरु की बात न माने, पढ़ाई में उसका ध्यान न हो तो गुरु को भी क्रोध करना पड़ता है, पर उस गुरु के क्रोध में उस शिष्य की भलाई छुपी हुई है। आजकल तो गुरु बेचारे क्रोध नहीं करते हैं, आजकल बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे माता पिता का कहना नहीं मान रहे हैं, इतनी उनको छूट हो गई। उसका एक कारण ये है कि महाराज जो पढ़ाने वाले गुरुजन थे ना, उन गुरुजनों के हाथ हमने बांध दिए। ध्यान देना, आप जितने लोग हो आप भी तो थोड़े पढ़े हैं, कोई ज्यादा पढ़े होंगे, थोड़ा धीरे करिए, बार बार मत कहो। आप भी तो स्कूल में पढ़े होंगे, और मैं तो सच कहता हूं हमने गुरुजी से मार बहुत कम खाई है, पर वो जब भी मारते थे ना तब महाराज पूरी रूह थर थर कांप जाती थी। अपने मारवाड़ी में केवल जो नानी दादी सब याद आ जाते, ऐसी मार पड़ती। और आजकल हमने गुरुओं के हाथ बांध दिए, आजकल कोई गुरुजी छोरा हाथ लगा ले ना तो मम्मी पापा दोनों गुरुजी री लता ले ले, मारे छोरा ते ठोकी ठोकी की। तो कल्पना करो वो गुरु बच्चों को क्या सिखा पाएंगे। आप उन्होंने उनके हाथ आपने बांध दिए। गुरु की छड़ी जो होती थी ना साहब, उस गुरु की छड़ी में, उस गुरु के डंडे में बहुत ज्ञान होता था, पर आज हमने गुरु के हाथ से वो छड़ी ही छीन ली। जेल जाना पड़ जाए गुरुओं को अगर किसी बच्चे को हाथ लगा ले तो। ऐसे माता पिता ध्यान दे लेना, अब अपने बच्चों को सुशिक्षा भी नहीं दे पाए। सुशिक्षा का मतलब केवल वो फटाफट अंग्रेजी बोलने लग गया, फटाफट हिसाब किताब करने लग गया, यही ये तो शिक्षा होती है। हम सुशिक्षा की बात कर रहे हैं, हम विद्या की बात कर रहे हैं, हम एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं।
विद्या के बारे में, और विद्या गुरु की छड़ी में थी, जो छड़ी हमने छीन ली उस गुरु की फटकार में। हमको आज भी याद है, हम जब गुरुकुल में पढ़ते थे ना, तो पहले हमने बीकानेर के पास सागर में अध्ययन किया, और आज भी अध्ययन कर रहे हैं बनारस से। तो जब विद्यालय में पढ़ाया जाता तो सुबह 4 बजे उठाया जाता। कितने बजे? सुबह 4 बजे उठाया जाता। अब 4 बजे उठाकर किसी बच्चे को पढ़ने के लिए कहें तो स्वाभाविक है नींद तो आएगी, तो खूब नींद आती। तो नींद का उपाय क्या था? अब विद्यालय में पहले चोटी रखते बहुत बड़ी, बाकी सर पे बाल नहीं होते, इतनी इतनी बड़ी चोटी। तो गुरु जी क्या करते, दीवार के पीछे कील ठोक देते और कील के नीचे हमको बिठाया करते, और फिर उस कील से चोटी को बांध दिया करते। कील से चोटी बंधी है, नीचे बैठे हैं, हाथ में किताब है। अब 4 बजे का टाइम है, नींद आती, और जो ही नींद आती चोटी उपड़ती सी गर्दन सीधी हो जाती, फिर नींद आती, फिर चोटी, और फिर भी नींद आती। तो गुरु जी के पास इतनी लंबी छड़ी रहती, वो उतनी दूर टेबल पर रहती, पर वो छड़ी हमारे तक पहुंच ही जाती, और वो छड़ी जब एक बार पड़ती तो समथिंग एक हफ्ते तक उसका निशान नहीं मिटता था। और आज हमने उन गुरुओं से वो छड़ी छीन ली, तो वो गुरु हमको क्या पढ़ाएंगे, क्या शिक्षा देंगे, क्या हमारे बच्चों को शुरू शिक्षा मिलेगी? गुरु जी तो कहो, गुरु जी छोरो पढ़े नहीं जना चोख कूटो ही जना बेटा बढ़िया सही लाइन। मैं अक्सर कहता हूं, पंच वर्षानी लाडिए और षड वर्षानी ताड़िए। 5 वर्षों तक लाड प्यार करो, और 5 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक हाथ साफ करो, तब उनको सु शिक्षा मिलती है। बच्चा अगर अपराध करे और माँ बाप उसके अपराध को गौण कर दे, क्षमा कर दे या अनदेखा कर दे, तो वो माँ बाप उस बच्चे के सबसे बड़े शत्रु वो माता पिता नहीं है, उनके अपराधों के ऊपर तो पर्दा करके उनको पापी बनाओगे। तो कहीं कहीं पर क्रोध करना, पिता ने पुत्र पर किया, गुरु ने शिष्य पर किया, तो महाराज ये क्रोध कहीं मायने में ठीक है, पर महाराज इतना भी क्रोध? महीसागर को श्राप दे दिया। अरे भैया, कार्तिकेय कह प्रभु आप धर्मराज हो, मीठा बोलिए, अब कड़वा मत बोलो प्रभु, सत्यम ब्रूयात पर प्रियम ब्रूयात, अच्छा बोलो। अब गलती का एहसास हो गया धर्मराज जी को, भाई गलती तो हमसे हो गई, अब क्या किया जाए? तब धर्मराज जी ने उस महीसागर से कहा कि हे महीसागर, जो हमने कह दिया उस श्राप को तुम्हें लग गया, पर कालांतर में कली काल में कृष्ण रूप में ही, कृष्ण अवतार में ही एक महापुरुष प्रकट होगा, और उस महापुरुष के तपोबल से, उस महापुरुष के तपोबल से तुम्हारा यह श्राप नष्ट हो। एक ऐसा कृष्ण स्वरूप का कोई महातपस्वी महाआत्मा इस धरती पर अवतार लेगी, और वो महान आत्मा जब तुम्हारे यहां पर आकर तप करेगी, तब जाकर तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओ। और महाराज कालांतर में मोरवी नंदन बाबा श्याम बरबरीक जी ने जब धरा पर अवतार लिया, वो महापुरुष कोई और नहीं जिन्होंने गुप्त क्षेत्र को पाप से श्राप से मुक्त किया, वो हमारे बरबरीक जी बाबा श्याम ही हैं जिन्होंने गुप्त क्षेत्र में जाकर तपस्या की और महाराज मही तीर्थ को श्राप से मुक्त कर दिया। बोले बाबा श्याम की जय। आज धर्मराज जी ने महीसागर को संतुष्ट किया कि तुम चिंता न करो, कालांतर में कोई महापुरुष उत्पन्न होगा और वही तुम्हारे यहाँ पर आकर तप करेगा, और उस तप से तुम्हारा कल्याण होगा, उस तप से तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसे तपस्वी बरबरीक जिन्होंने अवतार लेकर सबसे पहले तप कार्य ही किया, ये कथा तो बाद की है, पर मैंने आपको पहले इसलिए सुनाई कि श्याम को जानने के लिए पहले श्याम महिमा को जानना है। श्याम बाबा कौन, बरबरी कौन? बोले ऐसे तपस्वी जिसने एक तीर्थ को श्राप से मुक्त कर दिया, जिसको धर्मराज का श्राप लगा, ब्रह्मा की पंचायती में ऐसे पाप से जिन्होंने मुक्त कर दिया, तो जरा सी कल्पना करो, विचार करो, उस बाबा श्याम का सामर्थ्य क्या है, कितना उसका सामर्थ्य है।
और इस संसार का कोई दीन दुखी व्यक्ति अगर उनकी शरण में चला जावे तो महाराज बाबा श्याम की बड़ी कृपा होती है, बड़ी कृपा होती है। और बड़ौदा के पास में गुजरात में ये मही क्षेत्र विराजमान है। शनिवार और अमावस्या, ध्यान देना, जिस दिन शनिवार हो और अमावस्या तिथि हो, अमावस्या तिथि हो और बार क्या हो, शनिवार हो, अमावस्या तिथि और शनिवार के दिन अगर कोई मही क्षेत्र में जाकर स्नान करे तो अन्य तीर्थों में हजार बार स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है और बाबा श्याम की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और एक विशेष बात मैं बताऊं, हमारे राजस्थान में बरबरिक जी को बाबा श्याम के नाम से पूजा जाता है, वही बाबा श्याम को बड़ौदा गुजरात में जहां पर ये मही क्षेत्र है वहां पर बलिया देव के नाम से पूजा जाता है। बोलिए बलिया देव भगवान की, बाबा श्याम की है। गुजरात में किस नाम से पूजा जाता है, बलिया देव, ये बाबा श्याम का ही स्वरूप है, बरबरिक जी का ही रूप है, वहां पर बलिया देव के रूप में पूजे जाते हैं क्योंकि उस तट पर उन्होंने अच्छा तप किया है, अच्छा तप किया है। बाबा श्याम को अगर जानना है ना भैया, अगर बाबा श्याम को उनकी कृपा को प्राप्त करना है तो सबसे पहले उनके तप को हमको जानना है। तो ऐसे तपस्वी मनस्वी ऐसे महात्मा बरबरिक आज मही सागर में तपश्चर्या करते हैं और मही सागर श्राप से दूर हो जाते। कैसे तपश्चर्या की, कब की, वो तो आगे कथा प्रसंग में आएगा। पर इस तीर्थ की मही सागर की महिमा बताई और वही बरबरिक जी श्याम के रूप में प्रकट हुए। जितनी श्याम की महिमा गाई जाए उतनी कम है, है? और श्याम कथा बोले जीवन की व्यथा को मिटा देती है, भक्त गाते हैं जय जय श्याम कथा, जय श्री श्याम कथा, जय श्री श्याम कथा, जय श्री श्याम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, हो जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की कथा, जय जय श्याम कथा, जय जय श्याम कथा, जय जय श्याम कथा, जय जय श्याम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती हो, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की कथा, जय जय श्याम कथा, जय जय श्याम कथा, जय जय श्याम कथा, जय जय श्याम कथा। श्याम प्यारे की हरिवो, श्याम नाम एक सार अधारा, श्याम नाम एक सार अधारा, कलयुग में बस यही सहारा, कलयुग में बस यही सहारा, सबके कारज पल में सारे, जब सेवक घर ध्यान पुकारे, सबके कारज पल में सारे, जब सेवक घर जाने पुकारे, जय श्री श्याम संत हितकारे, जय श्री श्याम संत हितकारे, जय श्री श्याम संत हितकारे, जय श्री श्याम संत हितकारे। बाबा ओ वर लख दातारे, बाबा ओ वर लख दातारे, सब देवन महु देव गोसाई, सब देवो मैं देव गोसाई, खाटू धाम विराजत साई, खाटू धाम विराजत साई, खाटू धाम विराजत साई, खाटू धाम विराजत साई।
जीते फल वो तो पाए, वनवांछित फल वो तो पाए। सात परी ब्रह्मांड समूचा, सात परी ब्रह्मांड समूचा, गाँव गली हर कुंजा तुंजा, गाँव गली हर कुंजा तुंजा। शरण गए प्रभु ताहुन त्यागा, शरण गए ताहुन त्यागा। विश्वद्रोह श्याम नाम एक सार अधारा, श्याम नाम प्रेम से सार अधारा। कलयुग में बस श्याम, कठोर तप किया और ब्रह्मा के धर्मराज के श्राप से महीसागर को मुक्त कर दिया। ध्यान देना, शिव पुराण में एक कथा हमने पढ़ी जिसमें चंद्रमा को श्राप लगा। चंद्रमा ने 10,000 करोड़ महामृत्युंजय का जाप किया और भगवान शंकर प्रकट हुए और भगवान शंकर ने चंद्रमा से कहा, चंद्रमा मैं तुमको श्राप से मुक्त नहीं कर सकता क्योंकि श्राप से मुक्त करने का सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं। पर यहाँ स्कंद पुराण में लिखा है श्राप तो महीसागर को भी लगा और उस महीसागर को श्राप श्याम प्यारे की। मही सागर तीर्थ को भगवान ने मुक्त कर दिया तप करके। ऐसे तपस्वी बाबा श्याम है, इतना तप किया उन्होंने। माँ भगवती के दुर्गा के उपासक थे, माँ कामख्या आसाम में गुवाहाटी में स्थित है ना, माँ कामख्या के परम उपासक बरबरिक जी थे। बरिक खूब उपासना की माँ कामख्या की, जिसकी कथा आगे आएगी। अब बाबा श्याम की कृपा अगर हमको प्राप्त करनी है तो महाराज कहते कि बाबा श्याम की कृपा प्राप्त करने के लिए तीन मार्ग हैं, श्रद्धा का, विश्वास का और भाव का। बाबा श्याम की कृपा देखिए ना, सबरी ने राम को भजा भाव से, सुदामा जी ने कृष्ण को भजा। या तो भाव से पूजा होती है या अभाव से होती है या कुभाव में होती है, कैसे भी भजो पर भजो। सबरी ने जो भजन किया वो भाव से किया था और सुदामा जी का भजन अभाव का भजन था, अभाव में भी भजन किया। हम तो सारी सुख सुविधा परमात्मा ने दिए फिर भी भजन नहीं कर पाते, पर सुदामा जी के पास में तो कुछ भी नहीं फिर भी भजन किया, कुछ भी नहीं फिर भी द्वारिका गए तो चावलों की पोटली लेकर गए थे। अभाव होते हुए भी उनकी श्रद्धा देखी। और रावण ने भी भजा था, पर रावण ने कैसे भजा था बोलो ना, रावण ने कुभाव में भजा था। भाव से भजो, अभाव में भजो या कुभाव में भजो, गोपियों ने प्रेम में भजा था।
पर भजा सबने है, अब बाबा को भजना है तो श्रद्धा रखिए, शरणागति लीजिए, विश्वास रखिए। सर्वे धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सब कुछ छोड़कर केवल शरणागति ले लीजिए। शरणागति में बड़ी शक्ति है सर। बाबा श्याम की एक एक बड़ी प्रचलित कथा है, आपने सुनी होगी। एक बार कोई श्याम बाबा के भक्त, दोनों पति पत्नी नाव में चढ़कर तीर्थाटन कर रहे थे, नाव में चढ़े हुए थे, और जो ही नाव जल के अंदर प्रवेश की, चक्रवर्ती तूफान आ गया, भयंकर जल धारा बरसने लगी, हवा चलने लगी, भंवर में नाव फंस गई। अब वो नाव डोलने लगी, जितने नाव में लोग बैठे थे सारे घबरा रहे थे, पसीना पसीना हो गए, सबका कलेजा हिलने लगा, इतना भयंकर तूफान, नदी में नाव, गहरी नदी, डूब जाएंगे, मर जाएंगे, सब किसी को परिवार, बेटा पोता सब याद आने लगा, सब रोने लगे, वो पत्नी भी रोने लगी, और उसका जो पति है ना वो चुपचाप बैठा है और बैठा बैठा मुस्कुरा रहा है, मुस्कुरा रहा है। ध्यान दीजिएगा, वो बैठा बैठा मुस्कुरा रहा, पत्नी ने देखा पति की तरफ, अरे आप क्या आदमी हो, नाव भंवर में फंसी हुई है, सारे लोग रो रहे हैं, हम मरने वाले हैं, और आप बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हो, आपको भय नहीं लगता, आपको डर नहीं लगता? वो पति ने जवाब दिया, मेरी नाव चाले चाम के सहारे, मेरी नाव चाले चाम के सहारे, गाइए ना, मेरी नाव चाले हर के सहारे, मेरी नाव चाले हर के सहारे। देखो, जिसको ये लगता है ना कि अपनी गाड़ी तो अपने हाथ से ही चल रही है वो तो मत गाना, पर जिसको ये लगता है कि मेरी गाड़ी बाबा श्याम की कृपा से चल रही है, इनकी कृपा से ही चल रही है, तो वो मेरे साथ में ताली बजाकर जरूर गाना। मेरी नाव चाले हर के सहारे, ओ मेरी नाव चाले हर के सहारे, मेरी नाव भरोसा, मुझे मेरे आराध्य के ऊपर भरोसा है, वो यूं मेरी नाव को डूबने नहीं देंगे। और एक बात बताऊं, आज उस एक भक्त का संग करने से उस नाव में बैठे हुए सारे यात्री बच गए। एक भक्त का, अरे भैया राजा का संग करोगे तो कहीं मरवा देगा, और भक्त का संग करोगे तो हरि से मिला देगा। एक राजा के संग में और एक भक्त के संग में इतना ही फर्क होता है, राजा का संग कहीं मरवा देता है और संत का संग हरि से मिलवा देता है। आज एक भक्त का संग किया, उसको बड़ा भय नहीं लग रहा है। पत्नी ने कहा, ऐसा तुम्हारे पास क्या है जिसके कारण मौत के मुंह में भी हो फिर भी तुमको डर नहीं लग रहा है? वो बोले, मेरे पास कुछ नहीं, बस बाबा श्याम की कृपा। बोले, ऐसी क्या कृपा? तब उस कृपा को समझाने के लिए उस पति ने क्या किया पता है? बड़ा बुद्धिमान था, नाव के अंदर ही एक इतना सा कोई चाकू पड़ा था, उस चाकू को उठाकर पत्नी के गर्दन पर रख दिया। बोले, मैं तुझे तेरे प्राण ले लूंगा, मैं मार दूंगा तुझे। पत्नी हंसने लगी, क्यों मजाक कर रहे हो, आप मुझे मार ही नहीं सकते। उस पति ने कहा कि जैसा तेरा विश्वास है ना मुझ पर कि मैं तुझे मार नहीं सकता, वो का वो विश्वास मेरा है, मेरे बाबा पर है, मेरा बाबा भी मुझे मार नहीं सकता, इसलिए मैं कहता हूं मेरी नाव चाले हर के सहारे, मेरी नाव चाले हर के हरी के
प्रेम से मेरी नाव छाले हरि के अपने मन की यथा व्यथा। अरे भैया सबकी नाव घोर में फंसी हुई है, है? जिसकी नाव ठीक ठीक चल रही है वो तो मत गाना, पर जिनकी नाव कहीं ना कहीं फंसी हुई है वो गाना और बाबा से कहना, बाबा आज तेरी कथा सुन रहे हैं, मैं सागर तीर्थ को पार लगा दिया, थोड़ा सा हमको भी पार लगा देना। मेरी नाव चाले हरि के हरि के बाबा के सहारे चले हैं, इसके ऊपर ही भरोसा रखना। और अगर किसी की गुलामी करनी है, किसी की सेवा करनी है तो केवल इसी की करना है। जो इसकी गुलामी करे दुनिया उसकी गुलामी करे साथ है, और दुनिया की गुलामी करोगे तो गुलाम बनकर रह जाओगे। हैं मेरे काना तेरी नौकरी, जब से समझा हूं तब से करी है। जो जन्म से ही ठाकुर के नौकर हैं, दास हैं, वो भक्त कहते हैं क्या, मेरे काना तेरी नौकरी, जब से समझा हूं तब से करी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, जब से समझा हूं तब से करी, मेरे काना तेरी नौकरी, जब से समझा हूं तब से करी। नौकरी करनी है तो यही करो, संसार की नौकरी में तो कभी फायदा कभी घाटा, कभी सैलरी बराबर आ जाती है, कभी दो महीने लेट हो जाती है, कभी बोनस कट जाता है। साहब यहाँ पर तो बोनस ही बोनस है, दोनों हाथों से लुटाता है ये लेने वाला चाहिए। बोले श्याम प्यारे की। आइए अब आरती का समय 5 से ऊपर हो गए, 1 बजे से 5 बजे का समय है। 3 दिनों की कथा है श्याम परिवार के द्वारा, श्याम भक्तों के लिए। और जो श्याम से प्रेम करते हैं ना, वो कल जो आए तो अपने साथ में एक एक को और पकड़ के लाए। और कथा का टाइम क्या है, 1 से 5 बजे का है, और 3 ही दिनों का मेला है। आज एक तो गया है, काल रिपीरू, बस 2 दिन और है। तो कल जो आए, कल तो इसी पंडाल में बाबा श्याम का प्रागट्य मनाया जाएगा, कल उनका कथा के माध्यम से बाबा का जन्म मनाया जाएगा। तो बड़ी धूमधाम से इस पंडाल में कल हम बरबरिक जी का जन्म मनाएंगे। बाबा का जन्म कैसे हुआ, बड़ी सुंदर बाबा के जन्म की कथा, और बड़ा सुंदर उत्सव हम मनाएंगे। तो कल महाभारत का सुंदर प्रसंग चलेगा, मौरवी का, घटोत्कच जी का, भीम का कल का मुख्य प्रसंग है। तो बाबा श्याम को जानने के लिए और उनकी महिमा को जानने के लिए आप सब पधारें, और जितने लोग आए हैं कल सबको लेकर आए, बूढ़े बच्चों को लेकर आए, बच्चे बूढ़ों को लेकर आए। कल सुंदर उत्सव हम यहाँ पर मनाएंगे, और 3 दिनों का ये सुंदर उत्सव है। आज हमारे मुख्य यजमान जो इस कथा के बने हैं, नाम तो मुझको स्मरण नहीं है, पर इनके लिए जोरदार ताली बजाएं भाई। भगवान की कथा में यजमान बनना भी बहुत बड़ा नहीं, अपितु बहुत बड़ा सौभाग्य होता है, तब जाकर कथा में यजमान बनने का मौका अवसर मिलता है। और जितने भक्त आए हैं कल 1 बजे आ जाएं भाई। आज तो पहला दिन था, थोड़ा विलंब हो गया, कल 1 बजे से बाबा की कथा प्रारंभ करेंगे। सुंदर पंडाल को सजाकर कल बाबा का धूमधाम से जन्म मनाएंगे। तो आप सब लोग पधारें, अब आरती होगी, सब लोग खड़े होएं,
मुख्य यजमान आगे आ जावे। दो मिनट प्रभु का नाम संकीर्तन। जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम, 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 एक मुख्य सूचना ध्यान से सुनना जो मोबाइल रखते हैं उन लोगों के लिए। ये जो कथा है वो यूट्यूब चैनल पे प्रसारण हो रही है। आपके कोई भी मित्र सगे संबंधी जो कहीं पर भी रह रहे हैं कलकत्ता बंबई मद्रास, वो वहां पर बैठे इस कथा को देख सकते हैं। तो भाई श्री संतोष सागर के नाम से चैनल है यूट्यूब का, वो खोलेंगे तो ये कथा उनको मिल जाएगी, लाइव सुन सकते हैं 1 से 5 बजे तक। तो ये सबको सूचना कर देना आप है। बोले श्याम प्यारे की प्रेम से, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वशंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम। ओम जय श्री श्याम हरे बाबा, जय श्री श्याम हरे बाबा, जय श्री श्याम हरे। खाटो धाम विराजत, खाटो धाम विराजत, अनुपम रूप धरे। सभी लोग आरती करते जाएंगे। बाबा सिर पर चरण धोए, तन के सरिया बाबो, तन के सरिया बाबो, मुंडन श्रवण पड़े। ओम जय श्री सेवक भोग लगावत, सेवा नित्य
जय श्री श्याम सेवन्ति कावकुलजं भगपाटलब्जिं
उन्यागजाधिकर बिल्वरशान पुष्पै बिल्व प्रभार तुलसी जल मंजरी भी स्थान पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसिद्ध नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तं गृहाणामरमेश्वर। बोलिए खाटू धाम की, श्याम प्यारे की, हरे के सहारे की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यत्कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम श्री कृष्ण गोविंद।